तो आज का ये जो सेशन है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है वर्ब्स को लेके हर तरह की वर्ब्स को हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स का यूसेज पढ़ने वाले हैं वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का वर्ब जो कि एक आत्मा है सेंटेंस की सेंटेंस को आप हर पार्ट ऑफ स्पीच के बिना बना सकते हो लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा होता है तो उस टॉपिक को हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं रिलेटेड तो मेरा एक व्हाट्स तो नंबर दिया हुआ है आप उस डाउट को पूछ सकते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे लगभग लग दो लाख स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जहां पे सारी पीडीएफ शेयर होती है दिस इज द इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज द फेसबुक पेज ओके स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब होता क्या है वर्ब हम सभी ने बचपन में हमेशा से पढ़ा है कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है वर्ब एक्शन डिनोट करता है लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन डिनोट नहीं करता बेटा वर्ब के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं चीजों को दिखाने की सबसे पहली चीज वर्ब क्या दिखाता है एक्शन दिखाता है बिल्कुल सही हमने बचपन में बिल्कुल सही पढ़ा है फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूं मैं आपको पढ़ा रही हूं तो पढ़ाना क्या हो गया वर्ब हो गया क्योंकि एक एक्शन है आप फॉर एग्जाम्पल डांस कर रहे हो तो डांस क्या हो गया एक्शन है तो वर्ब डिनोट एन एक्शन डांस सिंग टीच इसके अलावा वर्ब एक स्टेट को भी शो करता है स्टेट का मतलब क्या होता है स्टेट का मतलब होता है मैं क्या हूं फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूं आप एक स्टूडेंट हो वो एक डॉक्टर है तो स्टेट को भी हमारा वर्ब शो करता है इसमें फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर शी इज दे आर डॉक्टर्स तो वर्ब हमें स्टेट भी दिखाता है वर्ब हमें इवेंट भी शो करता है कुछ मेंटल प्रोसेसिंग चल रही है वो भी वर्ब शो करता है कोई इंसान कुछ सोच रहा है तो वर्ब के बहुत सारे पार्ट होते हैं अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो वर्ब टॉपिक है ना इसमें बहुत सारी तरह की वर्ब्स होती है जिन सारी की सारी वर्ब्स को हमें समझना बहुत जरूरी है तो एक एक करके हम सारी की सारी वर्ब्स को समझने वाले हैं मैं आपको एक पूरा टॉपिक टेबल्स की हेल्प से चार्ट्स की हेल्प से डायग्राम्स की हेल्प से फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ाने वाली हूँ जिससे कि आपके माइंड में सारी की सारी चीजें बनी रहे इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर होगा तो पीडीएफ को लेकर चिंता मत करना बट पीडीएफ में एक चीज क्या होती है जो मैं लिखती हूँ ना वो पीडीएफ में नहीं आता है वो सेव नहीं होता है तो जहां जहां मैं कुछ एड ऑन कर रही हूँ कुछ लिख रही हूँ मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेके बैठना और सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चल चल आते हैं अपने अगले पे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हमें पढ़ने हैं जो हमें समझने हैं तो इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प समझाना चाहूंगी बेटा अगर मैं वर्ब्स की बात करती हूँ तो वर्ब्स हमारे दो तरह के होते हैं बेसिकली पहले होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन से वर्ब्स हो गए जो खुद का कोई मीनिंग नहीं रखते बट कहीं ना कहीं सेंटेंस का मीनिंग समझाने में हेल्प करते हैं उन वर्ब्स को बोलते है, helping verb. फिर होते हैं हमारे मेन वर्ब्स मेन वर्ब्स में हमारे वो वर्ब्स होते हैं जो कुछ ना कुछ एक्शन दिखाते हैं कुछ ना कुछ काम हो रहा है उसको डिनोट करते हैं तो अगर आई टीच तो टीच एक मेन वर्ब है आई कैन टीच तो कैन एक हेल्पिंग वर्ब है अभी सारे वर्ब्स को डिटेल में बताऊंगी अभी फ्लो चार्ट बता रही हूँ अब अगर मैं मेन वर्ब में आती हूं तो हमारे दो तरह के वर्ब्स होते हैं बेटा एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे सारे पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे का ये पूरा लेक्चर है जो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हर वर्ब को डिटेल में पढ़ाऊंगी हर वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें दो तरह के वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब शायद ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाए इतनी सारी वर्ब्स हैं नॉन फाइनाइट की वर्ब बात करती हूं तो इसमें तीन तरह की वर्ब्स होती हैं जेरेंट पार्टिसिपल इंफिनेटिव अगर पार्टिसिपल की भी बात करते हो इसमें तीन तरह के होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल अगर इंफिनेटिव की बात करते हो इसके अंदर एक होता है बेयर इंफिनेटिव यहाँ पे बहुत स्पेस कम है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अभी मैं पीपीटी शो करूंगी आपको हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरीज भी बोला जाता है या भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को बेटा ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सेकेंडरी वर्ब भी बोलते हैं इसका एक और नाम होता है सेकेंडरी वर्ब सिमिलरली मेन वर्ब का एक और नाम होता है प्राइमरी वर्ब अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात करती हूं तो सबसे पहले हमारी जो वर्ब्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज इसके अंदर हमारा आता है इज एम आर फिर डू वाली वर्ब्स डू डज और डिड फिर वॉज और वर फिर आता है हमारा हैज और हा तो ये सारी कौन सी ऑक्सिलरीज है हमारी ये सारी की सारी है हमारी प्राइमरी ऑग्जिलरीज फिर दूसरा आता है मॉडल वर्ब्स मॉडल्स I mean, के अंदर भी दो तरह के मॉडल्स होते हैं एक मॉडल्स होते हैं हमारे नॉर्मल मॉडल्स हो गए कैन कुड मे माइट शाल शुड विल वुड ये सारे मॉडल्स और दूसरे मॉडल्स होते हैं हमारे मार्जिनल मॉडल्स मार्जिनल मॉडल्स के अंदर हमारे तीन आते हैं यूज टू डेयर टू और नीड टू तो ये पूरा का पूरा वर्ब्स है और ये सारे वर्ब्स हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरी चीज वर्ब्स दो और पढ़ेंगे हम इनके अलावा ये सारी वर्ब्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पूरे -पूरे so, सभी लोग एवरी वन आ जाते हैं आगे तो ये जो मैंने लिखा है इसको मैं पूरा आपको एक चार्ट से और अच्छे से शो कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा है अच्छे से शो नहीं हुआ तो ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स मेन वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल डांस हेल्पिंग वर्ब कैन हो गया आपका लिंकिंग वर्ब जो सेंटेंसेस को लिंक करती हैं सेंटेंसेस uh, को भी नहीं किसी को किसी से लिंक करते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे टीचर से क्या लिंक कर रहा है आई एम अ टीचर तो एम क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब अभी समझाऊंगी फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग गिटार

लिंकिंग वर्ब क्या करती है बेटा लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं करती नो एक्शन लिंकिंग वर्ब का रोल किसी एक्शन को करने का नहीं होता है लिंकिंग वर्ब का रोल होता है बस लिंक करने का फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर आई एम अ टीचर तो मुझे टीचर से लिंक किस वर्ब ने किया इस एम ने किया तो एम हमारा कौन सा वर्ब हो गया तो एम हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया तो लिंकिंग वर्ब्स क्या करती है सिर्फ लिंक करती है आई एम लोनली मैं अकेली हूं मैं अकेला हूं देवदास वाला डायलॉग तो आई को लोनली से किसने लिंक किया एम ने एम ने कोई एक्शन नहीं किया कोई काम नहीं किया तो एम कौन सा वर्ब हो गया बेटा लिंकिंग वर्ब हो गया हम हम हैं हैं। के, के, के के कौन सा वर्ब हो गया? Linking वर्ब. सिर्फ लिंक कर रहा है कोई एक्शन नहीं कर रहा यू आर करेक्ट तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो आर इज लिंकिंग वर्ब तो लिंकिंग वर्ब्स जनरली क्या करते हैं दे ओनली लिंक टू थिंग्स सिर्फ लिंक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी भी तरह की हेल्प नहीं करती किसी भी तरह का एक्शन डिनोट नहीं करती सिर्फ और सिर्फ लिंक करती है। क्लियर सभी को? रीड सेंटेंसेस तो और क्लियर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब क्या है यू आर द विनर विनर को यू से लिंक किया ही इज अ सॉसर प्लेयर दे आर केयरफुल मैन इज डॉक्टर तो जस्ट लिंक हम कर रहे हैं इन लिंकिंग वर्ब्स की चलो अब हमें कौन कौन से टाइप्स एक एक करके पढ़ने हैं सबसे पहले हम वर्ब पढ़ेंगे क्या क्या होती है, क्या होती है है उसके बाद हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे।, पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है इनको कैसे यूज करते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सो विल रीड इन डिटेल कोई दिक्कत चलिए अब जो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाया था उसको मैंने यहाँ पे और अच्छे से आप लोगों को शो किया है ध्यान से इस पूरे पूरे फ्लो चार्ट को तो वर्ब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया पहला पार्ट था हेल्पिंग वर्क जो मदद कर रहा है और दूसरा पार्ट था मेन वर्क जो हमें उसके बारे में बता रहा है अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक थे हमारे मोडल्स प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को को हमने या को हमने या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये किया है ये तब किया है जब इन प्राइमरी वर्ब्स को मेन वर्ब्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझाऊंगी डिटेल में अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही Modals में हमारे कैन कुड मे माइट विल और टू मस्ट फिर में एक दूसरी कैटेगरी होती है मार्जिनल मोडाल जिसमें तीन तरह के मोडालीट टू इसके बाद में में, दोनों हम पढ़ेंगे और नॉन फाइनाइट में हम इनटिव जेन पार्टिसिपल पढ़ेंगे पार्टिसिपल में हम तीनों पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या सभी को क्लियर है पूरा का पूरा चार्ट एवरीवन अब आते हैं एक एक करके सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांजिटिव और इन वर्ब्स ट्रांजिटिव और इन को पढ़ने के लिए समझने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है मेरा ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वॉट इज एन ऑब्जेक्ट तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करती हूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो शब्द मैंने वर्ब से सवाल पूछा वॉट हु या फिर हु वॉट हो या फिर हु जिस शब्द ने मुझे आंसर दिया उस वर्ड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया ट्रांजिटिव तो और इंट्रांसिटिव वर्ब्स की बात कर रहे थे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव को समझने से पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और वो कॉन्सेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा हु कौन मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा हुम जिस शब्द ने मुझे आंसर दिया वो शब्द मेरा ऑब्जेक्ट होता है फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस लिखा आई किल्ड हिम सेंटेंस थोड़ा डरावना हो गया भयानक हो गया मैंने उसको मार दिया डरना नहीं है सिर्फ समझना है मैंने पूछा मैंने किसको मार दिया Whom did I kill? मैंने किसको मार दिया उसको मार दिया कहने से हूम का आंसर मिला किसको मारा हिम को तो ये हिम क्या हो गया ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे बताना उसमें ऑब्जेक्ट क्या है ही पेंटेड दर्द उसने वॉल को पेंट किया ही पेंटेड द वॉल किसको पेंट किया वॉट डिड ही पेंट क्या पेंट किया वॉल को पेंट किया मुझे किसका आंसर मिला मुझे आंसर मिला वॉट का पेंटेड वॉट किसका आंसर मिला वॉट का क्या पेंट किया वॉल को पेंट किया तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो जब भी कोई वर्ड मुझे वॉट का या हुम का आंसर देता है हु का नहीं देता ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देता है हु का जब भी कोई वर्ड मुझे वॉट का या होम का आंसर देता है जब मैं वर्ब से सवाल पूछती हूँ तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लियर है सभी को ऑब्जेक्ट क्या है एवरी वन यस और नो अब अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है तो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं मुझे बताओ किसमें ऑब्जेक्ट है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वेंट टू आगरा आई वेंट वॉट ई वेंट होम क्या कोई आंसर मिला नहीं मिला तो ये क्या हो गया नो no ऑब्जेक्ट I gave a book. What did I give? मैंने क्या दिया मैंने किताब दी मेरे पास क्या है मेरे पास किताब है What का आंसर मिला A book. So a book. क्या हो गया Object. क्या समझ में आया Object क्या क्या होता है कैसे ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट को अब सिंपल सी बात क्या है जो शायद बचपन में इतनी बार टीचर से समझाने की कोशिश करी आज तक नहीं समझ में आई कि और ट्रांजेटिव क्या होता है मुझे भी याद है जब मैं बचपन में टीचर्स पढ़ाते थे ट्रांजिटिव इन कभी समझ में ही नहीं आता था बट आज समझ में आएगा सबको समझ में आएगा ट्रांजिटिव क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है गेव यहां पे कैसी वर्ब है गेव यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है नो ऑब्जेक्ट एट ऑल went कौन सी वर्ब है वेंट यहाँ पे इंट्रांटिव वर्ब क्या समझ में आया ट्रांजिटिव क्या होता है इन क्या होता है वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है तो भाई तुम ट्रांजिटिव हो तुम्हारे पास तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम इन हो क्लियर एवरी वन तो यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए आप लोगों को मुझे बताना इनमें ट्रांजिटिव है या इन है वर्ब

कौन सी वर्ब हो गई इंट्रान्जिटिव ही गव मी उसने किसको दिया भाई हूं hmm. मी मुझे कैसी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव क्या दिया व्हाट डिड ही गिव पेन दिया भाई व्हाट आंसर मिल गया कैसी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव ओके ही सॉ दैट गर्ल देयर उसने उस लड़की को वहां देखा किसको देखा वहां पर उसी लड़की को वहां देखा किसको देखा आंसर hmm. मिला दैट गर्ल कौनसी वर्ब हो गई बेटा Transitive. समझ में आया कैसे ढूंढते हैं ट्रांजिटिव और इन तो जब भी मुझे आंसर मिल जाता है वर्ब से वॉट का या फिर हुम का हु का नहीं हुम का किसको पढ़ा रही है टीचर टीचर पढ़ा रही है टी कौन पढ़ा रहा है वो नहीं किसको पढ़ा रही है तो जब भी मुझे वॉट का या हुम का आंसर मिलता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट होता है और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव होती है वो वर्ब इनट्रांजिटिव नहीं होती है क्लियर कितने लोगों को क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है क्रिस्टल क्लियर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव अब पढ़ते क्यों हैं भाई

उसने क्या दिया पेन दिया Give, ट्रांजिटिव वर्ब थी तो इसका हमने पैसिव क्या बनाया अ पेन गिवन बाय हर अ पेन गिवन बाय हर एक पेन उसके द्वारा दिया गया तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी का हम पैसिव बनाते हैं अब देखो इन ट्रांजेटिव का पैसिव बनाओ बड़ा मजा आएगा कोशिश करो इन ट्रांजेटिव का पैसे बनाने का आई वेंट टू आगरा मैं आगरा गई वर्ब के आगे अगर प्रपोजिशन मिल जाए तो ऑब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब इन ट्रांजेटिव इसका पैसे क्या बनेगा I went to आगरा आगरा was gone by me. सही है पैसिव I went to Agra का पैसिव क्या बना Agra was gone by me. हाय तोबा क्या कर दिया बिल्कुल गलत है तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं सो so वी डोंट मेक पैसिव वॉइस ऑफ पैसिटिव वर्ब्स क्लियर हुआ सभी को ट्रांजिटिव क्या होता है इन ट्रांटिव क्या होता है एवरी वन यस चलो कुछ आगे की चीजें देखते हैं लेट्स मूव एंड कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे बताओ क्या इस इसको देख के समझ में आ रहा है कि सारे इंट्रांसिटिव है मिस्टर जॉन स्पीक्स लाउडली मिस्टर जॉन जो है बहुत तेज बोलते हैं स्पीक्स वॉट क्या बोलते हैं किसको बोलते हैं कहने से इंट्रांसिटिव है sank rapidly. तेजी से डूब गया डूब गया क्या डूबा किसको डूबा वर्ब के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा है इंट्रांजिटिव है द डिपार्टमेंट स्टोर ओपन एट सिक्स ओ क्लॉक ओपन वॉट ओपन हूम कुछ आंसर नहीं है क्या है इंट्रांजिटिव है द विंड ब्लू स्ट्रॉन्गली क्या है इंट्रांजिटिव है क्या सभी को क्लियर है सारे इंट्रांजिटिव है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा हमने मैंने आपको इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की और वो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी कि अगर वर्ब के आगे प्रपोजिशन आ जाए तो वो हमेशा इंट्रांजिटिव होती है अगर वर्ब के आगे कोई एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो भी वो हमेशा इंट्रांजिटिव होती है वर्ब के आगे अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी वो ट्रांजिटिव होगी अदरवाइज वो हमेशा इन ट्रांटिव होगी तो वर्ब के आगे कोई प्रपोजिशन आ गया तो इन ट्रांटिव है वर्ब के आगे कोई भी एडवर्ब आ गया एडजेक्टिव आ गया कंजंक्शन आ गया तो भी वो इन ट्रांटिव है फॉर एग्जाम्पल इसके आगे क्या था एडवर्ब था इसीलिए वो इन ट्रांटिव थी इसके आगे क्या था एडवर्ब था इसीलिए इन ट्रांजिटिव इसके आगे प्रपोजिशन था इसीलिए इनट्रांजिटिव थे, थी इसके आगे भी एडवर्ब था इसीलिए इन ट्रांटिव थी कोई दिक्कत थी। एनी प्रॉब्लम एनी टिल हियर आगे बढ़ते हैं और कुछ देखो सेंटेंसेस इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई इसलिए इन है इसके आगे भी कुछ भी नहीं है इन है इसके आगे कुछ भी नहीं है

बट अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसके पास नहीं है तो इसको आप फ्लिपकार्ट से ले लोगे और इसको आपको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना है अपनी पच्चीसरी को इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों चीजें यूज में आएंगी ग्रामर भी और वोकेब्लरी भी तो ग्रामर तो सीख जाओगे यहाँ पे सारी बट वोकैबलरी के लिए ये बुक से पढ़ना पड़ेगा चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट आते हैं अगले दो तरह की वर्ब्स पे आते हैं और अगले दो तरह की वर्ब्स हैं आपका फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब बेटा तो दो तरह की वर्ब्स हैं एक है हमारी फाइनाइट वर्ब और एक है हमारी इनफाइनाइट वर्ब इसके ऊपर करते हैं क्या होती है मैंने आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे आई वर्क टू गेट अ जॉब आई वर्क टू गेट अ जॉब ही टू गेट अ जॉब एंड दे वर्क टू गेट अ जॉब इसमें पहले तो मुझे बताओ कौन कौन सी वर्ब्स आपको दिख रही है सारी वर्ब्स को अंडरलाइन कीजिए एवरी वन सभी ने तो बेसिकली यहाँ पे ये वर्ब्स थी ये वर्ब 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 थी, ये वर्ब थी, ये वर्ब थी ये वर्ब. अब ये जो दोनों तरह की वर्ब्स हमें दिखी, इसमें कुछ फर्क था क्या फर्क था कि जो ये वाली वर्ब थी ये बार बार बदल रही थी कभी वर्क हो था, कभी वर्क रहा था कभी वर्क हो रहा था कभी वर्क्स हो रहा था फिर वर्क हो रहा था ये बार बार बदल रही थी जबकि जो ये वाली वर्ब थी इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था देयर वॉज नो चेंज इन इट तो इसमें बदलाव आ रहा था इसमें बदलाव नहीं आ रहा था तो यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ फाइनाइट वर्ब्स का और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं बच्चे फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो बदलती हैं। जो बिन कौन सा वो प्रोवर्ब है बिन पेंदे का लोटा होती है समथिंग लाइक दिस थाली का बैगन होती है समथिंग लाइक दिस तो ये वो वाली वर्ब्स हैं जो बदल जाती हैं आप आई से यू कर दो यू से ही कर दो बदल जाएगी प्रेजेंट टेंस से पास टेंस कर दो बदल जाएगी सिंगुलर से प्लूरल कर दो बदल जाएगी तो ये वाली वर्ब्स होती है, होती हैं हैं ये चेंज जैसे ही आपका टेंस बदल जाता है जैसे ही आपका सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है और फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन हो जाता है या थर्ड पर्सन हो जाता है ये वाली वर्ब्स बदल जाती हैं तो वो वर्ब्स वो वर्ब्स जो चेंज हो जाती हैं टेंस के चेंज होने से सिंगुलर प्लूरल के चेंज होने से फर्स्ट पर्सन पर्सन, पर्सन थर्ड में चेंज आने से आई को वी कर देने से या आई को ही कर देने से उन वर्ब्स को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स कोई दिक्कत तो ये सारी की सारी वर्ब्स कौन सी हो गई फाइनाइट वर्ब्स तो नॉन फाइनाइट क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है मैं जैसी हूं मैं बहुत बढ़िया मुझे ना तुम बार बार बदलने के लिए मत बोला करो मैं जैसी हूं मैं बहुत बढ़िया हूं और मैं ऐसी ही रहूंगी वो वर्ब्स होती हैं नॉन दीज वर्ब्स ये जो वर्ब्स होती हैं ये चेंज नहीं करती चाहे टेंस बदलो हमें नहीं फर्क पड़ता भाई चाहे फर्स्ट पर्सन कर दो आई को वी कर दो ही कर दो या फिर तुम सिंगुलर प्लूरल में चेंज कर दो नंबर में चेंज कर दो हम तो गेट हैं तो गेट ही रहेंगे सो दीज वर्ब्स आर टर्म्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम टिल तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे एक सॉन्ग भी है ना ऐसा कुछ ऐसा मुझे क्यों याद आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमने समझ लिया अब इस नॉन फाइनाइट में हमें क्या करना है फाइनाइट तो देखो सिंपल सी बात है फाइनाइट हमने समझ लिया फाइनाइट में अभी हमने दो टाइप्स भी समझ लिए जो बदलते रहते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रानसिटिव अब हमें समझना है नॉन फाइनाइट्स को तो नॉन फाइनाइट्स में तीन चीजें हैं जो हमें समझनी है सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं वो है जेरंड उसके बाद अगला जो हम समझेंगे वो होगा पार्टिसिप ये सिर्फ नाम ही खतरनाक है देखने में असलियत में वो बड़े आसान टॉपिक्स हैं और तीसरा हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है इंटरनेट right. तो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल तो अभी ये जो मैंने आपको बताया वही है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स चेंज नहीं होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंस नंबर और पर्सन तो आते हैं फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो जाते हैं अभी हमने यही पढ़ा कि फाइनाइट चेंज हो जाती है नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होती तो पढ़ते आगे करके तैयार है तीनों को पढ़ने के लिए तो ये अब हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं तो इसको एक बार बना लो भाई इसको अपनी कॉपीज में बना लीजिए चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जेरेंड को जेरेंड क्या होता है मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग फिल कर लेना अपने हिसाब से इसको छोड़ दो अभी क्या फिर मैं इसको हटाई देती हूँ दे। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो मैंने एक सेंटेंस लिखा आई लव और आपको जिसका नाम लिखना है लिख लो किसका लिखोगे अपनी कॉपीज में जब लिखो तो आई लव और जिसका नाम लिखना है लिख लो मैंने तो भाई चॉकलेट्स लिख दिया तो मुझे बताओ ये जो चॉकलेट्स है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है I love chocolates, तो what do I love? मैं किससे प्यार करती हूँ वॉट वॉट का आंसर दे रहा है तो जो शब्द वर्ब से सवाल पूछो और वॉट का या हुम का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है और वो नाउन भी होता है तो चॉकलेट्स कहने से नाउन है क्या ये बात सभी को क्लियर है तो चॉकलेट्स क्या है चॉकलेट्स इज अ नाउन सारे आशिकों के ना कमेंट्स आना शुरू हो गए आई लव शेखर आई लव साक्षी आई लव निमिषा मैम ओ माई गॉड नहीं देवदास नहीं बनना है जो लिखना था अपनी कॉपीज में लिख लो पब्लिकली मत बताओ किसी को तो तो जब मैंने लव के आगे व्हाट का आंसर दिया तो वो क्या हो गया वो हमारा नाउन हो गया ठीक है भाई फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई डांसिंग मुझे क्या पसंद है भाई? Dancing पसंद है। फिर से आई लवट या वॉट डू आई लव मुझे क्या पसंद है मुझे किससे प्यार है डांस करने से मुझे प्यार है पढ़ाने से मुझे प्यार है तो ये डांसिंग भी नाउन हो गया जैसे चॉकलेट्स नाउन था ये डांसिंग भी क्या हो गया बच्चे नाउन हो गया जैसे चॉकलेट नाउन था अब अगर आप इसकी असलियत पे जाओगे तो ये नाउन है नहीं ये भेष बना के आया है नाउन का ये असलियत इसकी नाउन नहीं है इसकी असलियत क्या है ये डांस प्लस आईएनजी है इसकी असलियत क्या है ये डांस प्लस आईएनजी है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो नाउन का रोल प्ले कर रहा है नाउन का भेष बना के आया है तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का भेष बना लेती है तो उस वर्ब को एक अलग नाम से जाना जाता है और उस वर्ब का नाउन नाम होता है जेरेंट क्या सभी को क्लियर है जेरेंट क्या होता है क्रिस्टल क्लियर है जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले कर है तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं उस नाम का नाम होता है मजा आ गया मैम अब समझ में आया है जर क्या होता है आई लव डांसिंग मुझे क्या पसंद है मुझे डांसिंग पसंद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जी है नाउन का रोल प्ले कर रही है स्विमिंग इज अ एक्सरसाइज स्विम करना तैरना बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है क्या एक बढ़िया एक्सरसाइज है स्विमिंग वर्ड का आंसर मिल रहा है मतलब नाउन का तो स्विमिंग क्या हो गया स्विमिंग इज अ अट तो स्विमिंग हमारा जेरेंट हो गया कोई दिक्कत किसी को भी एनी बडी एनी प्रॉब्लम तो यही मैंने आप लोगों को समझाया अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा क्वेश्चन क्या आता है मैंने आपको एक सेंटेंस दिया पहले आप लोग मुझे कोशिश करना इसका आंसर बताना लेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कम से कम 80% स्टूडेंट्स सही आंसर बताएंगे ही does not like डैश टॉकिंग टू राम अबाउट माई फैमिली उसे नहीं पसंद क्या नहीं पसंद उसे नहीं पसंद क्या नहीं पसंद क्या का आंसर मिल रहा है बातें करना नहीं पसंद नहीं मेरा राम के साथ तो क्या मैं कह सकती हूं ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई है और ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो क्या मैं कह सकती हूं ये जो टॉकिंग है ये जेरिंड है ये जो टॉकिंग है ये क्या है ये जो टॉकिंग है ये जेरिंड है इतना समझ में आया सभी को चलो अब ये जेरिंड है इसका मतलब ये नाउन का भेष बना के आया है नाउन का भेष बना के आया है तो किसी नाउन से पहले क्या लिखते हो फॉर एग्जाम्पल कार एक नाउन है राम एक नाउन है माँ एक नाउन है मदर एक नाउन है फादर एक नाउन है तो किसी नाउन से पहले क्या लिखते हो मी मदर लिखते हो या आई मदर लिखते हो या माइन मदर लिखते हो या माय मदर लिखते हो माय फादर लिखते हो माय माँ लिखते हो मेरी माँ तुझे सब है पता है ना माँ मेरा राम मेरी गाड़ी माए लिखते हो तो जब इन नाउंस के पहले हक जताने के लिए माय लिखोगे तो यहां पे भी क्या लिखोगे क्योंकि ये भी तो नाउन है ये भी तो नाउन का भेष बना के आया हुआ है तो ये भी तो नाउन है तो क्या आएगा माए टॉकिंग उससे मेरा ड्राम से मेरी फैमिली के बारे में बात करना नहीं पसंद है तो ये जो मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया ग्रामर की किसी किताब को पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा ऑलवेज यूज अव एडजेक्टिव बिफोर क्या थी जो मैंने आपको बताया इसकी भाषा थी कि हम जेरन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी सेंटेंस में जेरेंट दे रखा होगा और अगर वहां पे आपको कुछ प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगाने को बोला जाएगा तो हम हमेशा क्या लगाएंगे एडजेक्टिव मतलब उस चीज के ऊपर मेरा हक है मुझे हक है मतलब पजेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं माई आर योर इट्स हिज हर देयर ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे पजिटिव एडजेक्टिव्स कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनको बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि ये प्रोनाउन कितने लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये प्रोनाउंस है नहीं बेटा ये प्रोनाउंस नहीं है दे आर नॉट प्रोनाउंस होते हैं इनका प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है अगर मैं बात करती हूं पजेसिव प्रोनाउंस की सो वॉट इज देयर प्रोनाउन फॉर्म माई का प्रोनाउन होता है माई आर का होता है आर्स योर का होता है योर्स पजेसिव प्रोनाउन इट का तो कोई होता ही नहीं है हिज का हिज ही होता है हर Her का हर्स होता है और देअर they're का देयरस होता है तो ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो जेरंड से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव लगता है पजेसिव प्रोनाउन नहीं लगता है कोई दिक्कत एनीवन किसी को भी I hope, नहीं है तो हम क्या लगाते हैं जेरन से पहले हमेशा लगाते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं Let's look at certain examples now. ये तो अभी हम बाद में बढ़ेंगे। आ, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग क्या हो गया जेरन हो गया मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे से बताना ही did not approve of Yeah First and a change for you. He did not like dash celebrating birthday every year. मैंने आपको चार ऑप्शन दिए मुझे बताना यहाँ पे क्या आएगा मैंने एक ऑप्शन आपको दिया you, your, yours, और एक ऑप्शन मैंने दिया आपको हर्स बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है अगर आप ये वाला बता दोगे तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ही बर्थडे एवरी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना उसे नहीं पसंद है तो सेलिब्रेटिंग क्या हो गया बेटा जेरंड हो गया जेरंड से पहले क्या लगाते हैं हम एडजेक्टिव लगाते हैं इन चारों में से एक ही पजसेसिव एडजेक्टिव है कौन सा है ऑप्शंस में से बताओ तो अगर हम देखते हैं ये जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है ये जो है वो पजसेसिव एडजेक्टिव है ये जो है ये पजसेसिव प्रोनाउन है और ये भी जो है पजसेसिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा यहाँ पे योर आएगा ही डिडेंट लाइक योर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर क्या कॉन्सेप्ट था वही कि जेरिन से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव का मतलब हो गया माय योर हर देयर इट्स ये सारे के सारे पॉजिटिव एबजेक्टिव आई एम वेरी हैप्पी मैक्सिमम बच्चों का सही हुआ है जो बच्चे योर्स बोल रहे हैं जो बच्चे हर्स बोल रहे हैं बेटा तो प्रोनाउन नहीं आता जेरिन से पहले अभी तो पढ़ा था ये प्रोनाउन है प्रोनॉउन नहीं आता जेरंड से पहले जेरंड से पहले एडजेक्टिव आता है गलती मत किया करो देखो ऐसे प्लीज सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स चल अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप मुझे बताओगे कि इनमें से कौन-कौन से जेरंड्स हैं मैंने आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यू विल टेल मी कि इनमें से कौन कौन से हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है तैरना तो स्विमिंग क्या हो गया जेरेंड हो गया आई लाइक स्विमिंग मुझे क्या पसंद है स्विमिंग पसंद है आई लाइक वॉट आई लाइक स्विमिंग क्या हो गया जेरेंड हो गया दे आर डांसिंग जेरेंड है नहीं है दे आर वॉट आंसर मिला नहीं जेरेंट डांसिंग इज इज हॉबी उसकी जो हॉबी है वो क्या है डांस करना वॉट इज इज हॉबी उसकी हॉबी क्या है उसकी हॉबी डांस करना है क्या हो गया जेरेंड हो गया दे आर डांसिंग ट्रीज वो कौन से पेड़ है डांस करने वाले पेड़ दे आर वॉट डांसिंग दे आर वॉट डांसिंग नॉट अ जेर तो कौन कौन से दो जेरन थे तीन जेरेंट थे वन टू एंड फोर्थ कितने लोगों के सारे सही निकले हाउ मेनी ऑफ यू गेव ऑल करेक्ट आंसर अभी ये पढ़ाऊंगी डांसर ये पार्टिसिपल है नहीं अभी पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी ना तब समझ में आएगा चलो वेरी गुड सो आई होप सभी को समझ में आ गया है कौन कौन से जेरन हैं और कौन कौन से क्या है आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपल पार्टिसिपल so क्या होता है सबसे पहले उस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज अ पार्टिसिपल अभी हमने पढ़ा कि जब भी वर्ब की फर्स्ट कॉम्प्लेस आई एनजी एक नाउन का रोल प्ले करता है उसको हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम जेटिव जब भी एक वर्ब नाउन का नहीं एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं जब भी एक वर्ब एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है और इस वर्ब के अंदर भी दो चीजें कौन कौन सी दो चीजें या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं डू वी कॉल इट

कैसे लड़के हैं कैसे स्टूडेंट्स हैं कैसी लड़कियां हैं कैसे टीचर्स हैं कैसे स्कूल्स हैं कैसा बैग है कैसा मार्कर है कैसा बोर्ड है कैसी क्लास है कैसी सीलिंग है तो जो शब्द मुझे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का रोल प्ले करता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं दे आर ब्रोकन चेयर्स कैसी चेयर्स है टूटी हुई चेयर्स है भाई वो कैसी चेयर्स है टूटी हुई चेयर्स है तो ब्रोकन क्या हो गया एडजेक्टिव अब इसकी असलियत क्या है अब इसकी असलियत क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रेक ब्रोक ब्रोकन और रोल प्ले कर रही है एडजेक्टिव का अब भेष किसका बना लिया वर्ब ने अब वर्ब ने भेष बना लिया एडजेक्टिव का तो ये ब्रोकन क्या हो गया ये ब्रोकन आपका हो गया पास्ट तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एक और एग्जांपल से करते हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस और लिखे शी हैज अनयूज्ड क्रॉकरी उसके पास कैसी क्रॉकरी है वो क्रॉकरी जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ क्रॉकरी क्या है नाउन है कैसी क्रॉकरी अनयूज क्रॉकरी तो अनयूज क्या हो गया एडजेक्टिव अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रही है तो ये क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल दे हैड सीन स्ट्रक्चर्स उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं उन्होंने खराब टूटे हुए नष्ट हुए स्ट्रक्चर्स देखे हैं कैसे स्ट्रक्चर्स डिलेपिडेटेड एडजेक्टिव है असलियत क्या है dilapidate dilapidated dilapidated असलियत क्या है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो ये dilapidated क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है किसी को कोई डाउट पास्ट पार्टिसिपल अगर है तो अभी पूछ लो क्योंकि अब इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे कोई डाउट पास्ट पार्टिसिपल में आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की इट इज ड्रिंकिंग वॉटर अब इस सेंटेंस को दो तरीके से इसके मीनिंग्स ना दो है अगर मैंने बोला इट इज ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल इट मैं किसी बर्ड के लिए इस्तेमाल कर रही हूं बर्ड क्या कर रही है बर्ड पानी पी रही है तो मैंने बोला इट इज ड्रिंकिंग वाटर बर्ड पानी पी रही है अगर इसका मतलब ये है कि वह पानी पी रहा है या वह पानी पी रही है तो ये नॉर्मल वर्ब है तो ये कैसी वर्ब है नॉर्मल वर्ब है इसका एक और मीनिंग है इस सेंटेंस का इस सेंटेंस का एक और मीनिंग क्या है कि ये पीने वाला पानी है ये जो पानी है फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है इस बॉटल के अंदर पीने वाला पानी है ये जो पानी है इट इज ड्रिंकिंग वॉटर तो अब मैंने बताया कि पानी कैसा है पानी पीने वाला पानी है तो ये नाउन के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो कि रोल किसका प्ले कर रहा है एडजेक्टिव का। अभी तक हम देख रहे थे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी अब क्या हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट so, ये हमारा क्या हो गया ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्लियर सभी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई डाउट तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है और उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यहीं पे अगर मैं कोई पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल लिखूं मैंने लिखा इट इज अ ब्रोकन चेयर यहां पे ये ब्रोकन क्या हो गया यहां पे ये ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बेटा पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल और प्रेजेंट एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है सा यहाँ पे बी वन प्लस आई एन जी होता है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्लियर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्लियर है सभी को चलो अगर ये डिफरेंस क्लियर है ये फिर से कैसे अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स तीनों समझ में आ रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दीज आर रिवॉल्विंग चेयर्स व्हाट एन अमेजिंग व्यू क्या तीनों समझ में आ रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है सभी को कैसी स्टोरी है इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसी चेयर्स हैं घूमने वाली चेयर्स हैं कैसा दृश्य है अमेजिंग बहुत बढ़िया दृश्य है तीनों क्या है तीनों के तीनों वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं और रोल प्ले कर रही है एडजेक्टिव का तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं और रोल किसका प्ले कर रही है एडजेक्टिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है बेटा आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड को आपस में यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे प्लस तो होता ही होता है बट यहाँ पे रोल किसका प्ले हो रहा होता है नाउन का आई लाइक डांसिंग स्मोकिंग इज डेंजरस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डांसिंग है और ये जो स्मोकिंग है ये जेरेंड है इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में देख लो अपने आप डिफरेंस क्लियर हो जाएगा जेरेंड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी बट दोनों में जो भेष धारण किया हुआ है वर्ब ने वो अलग अलग है आगे देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल एग्जांपल्स देखते हैं लुक एट द पास्ट पार्टिसिपल एग्जांपल्स। प्रेजेंट में वी वन प्लस आई एन जी इस्तेमाल हो रहा था यहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म दे आर सिटिंग ऑन अ ब्रोकन डेस्क वो एक कैसी डेस्क पर बैठे हुए हैं टूटी हुई डेस्क पर बैठे हुए ब्रोकन क्या हो गया पास चेयर्स कैसी है यूज चेयर्स है इस्तेमाल की हुई चेयर्स है ही इज अ गिफ्टेड सोल कैसी सोल है कैसी आत्मा है गिफ्ट की हुई ये सारे के सारे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या है पास्ट पार्टिसिपल अब मुझे कभी भी ये मत बोलना जब मैं क्लासेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी कि मैम डाउट है जेरेंड में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंपल मैनर इतने डिफिकल्ट मैंने आपको बहुत सिंपल मैनर में समझाने की अपनी पूरी कोशिश की हुई है अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की सेटिंग तो बड़ा नॉर्मल वर्ब है परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है सबसे पहले तो हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी जो हम टेंसेस में भी पढ़ेंगे कि हैविंग वर्ड यूज नहीं करते हैविंग ओनिंग बिलोंगिंग पजेसिंग अगर इन चारों शब्दों का मतलब हैविंग ओनिंग बिलोंगिंग पजेसिंग अगर इन चारों शब्द का मतलब है कि मेरे पास कोई चीज है मेरे पास घर है गाड़ी है बंगला है आई एम हैविंग अ कार आई एम हैविंग अ बंगलो आई एम हैविंग अ हाउस आई एम ओनिंग अ अ हाउस हाउस आई एम आई एम बिलोंगिंग अ हाउस या दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत है इन वर्ड्स को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते इनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वी नेवर यूज these वर्ड्स इन their प्रेजेंट continuous टेंस लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इन सेंटेंसेस को यूज ही नहीं करते इन वर्ड्स को यूज ही नहीं करते नहीं हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं को स्पेशली यूज करते हैं जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात होती है परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि वो जो टास्क है वो कंप्लीटेड है और यहां पे क्या होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल की जाती है फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा हैविंग डन वर्क आई वेंट टू प्ले अपना काम कंप्लीट करके मैं कहा गई मैं खेलने चली गई कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू प्ले हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई क्या है ये Perfect He having done it, उस काम को करने के के बाद वो खेलने चला गया। गया? तो having के साथ की आ गई। क्या हो गया? Perfect और ये adjective का रोल कैसे प्ले कर रहे है? Noun नाउन प्रोनाउन के जस्ट पहले आ रहा है नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा और हैविंग के साथ verb की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो क्या हो गया वो हो गया। कोई दिक्कत, किसी को एक बच्चे का डाउट देख लेती हूं कैसे पता करेंगे कि कर, प्ले कर है, नाउन के बारे में और अगर खुद ही वर्ड का आंसर दे रहा है तो नाउन होगा आई अ कार क्या है मेरे पास गाड़ी है दिस बैग इज रेड रेड क्या है बैग नाउन के बारे में बता रहा है और अगर का दे रहा है एडजेक्टिव और तो नाउन भी अलग अलग भी पढ़ाऊंगी

जेरेंट केस में वी वन प्लस आई एन जी होता है और रोल प्ले होता है नाउन का प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में वी वन प्लस आई एन जी होता है नाउन रोल प्ले होता है एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रोल प्ले होता है एडजेक्टिव का परफेक्ट पार्टिसिपल के केस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और रोल प्ले होता है एड्जेक्टिव का क्या ये सबरी क्लियर है अभी तक हमने ये चार पढ़े हैं क्या ये चारों क्लियर हैं इसके बाद इंफिनेटिव पढ़ेंगे किसी को भी इन चारों में कोई डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ऐसे क्लियर होने चाहिए कि इस क्लास के बाद कोई पूछे ना सपने में नींद से उठा के भी तो आपको आंसर आना चाहिए चलो अब ये क्लियर है तो इन्फिनेटिव को भी पढ़ लेते हैं भाई ये अगर क्लियर हो गए तो लेट्स रीड इंफेटिव ऑल्सो तो इन्फिनेटिव के केस में क्या होता है इन्फिनेटिव के केस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वो नाउन का रोल प्ले कर रही होती है हो, उसको हम इंफिनेटिव के नाम से जानते फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वॉन्ट मुझे क्या चाहिए बैग चाहिए तो बैग क्या है यहां पे नाउन है तो आई वॉन्ट टू प्ले मैं क्या करना चाहती हूँ खेलना चाहती हूँ टू प्ले किसका रोल प्ले कर रहा है ना शी डिसाइडेड वॉट उसने क्या डिसाइड किया जाना डिसाइड किया टू गो किसका रोल प्ले कर रहा है ना उनका तो जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो और वो नाउन का रोल प्ले करे तो उसको हम किस नाम से जानते हैं उसको हम नाम से जानते हैं इनफिनेटिव वी कॉल इट इनफिनेटिव आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी पूरा पूरी टेबल बनाकर रखी हुई है में। तो टेबल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा डोंट वरी एट ऑल क्या इन्फिनेटिव समझ में आया सभी को तो, तो के केस में क्या हो रहा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है अभी बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसको ध्यान से समझ रहा बहुत बार क्या होता है हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है जहां पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग रही होती है कभी कभी और टू के साथ बी वन प्लस आई लगा होता है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अगर टू के साथ की इस पूरे को हम बोलते हैं इंफिनेट अभी अभी पढ़ा और अगर टू के साथ बी वन प्लस आई एन जी लगा है तो इस इतने को हम बोलते हैं जय अभी पढ़ा प्लस है तो जेरेंट बोलते हैं और अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंफिनेटिव बोलते हैं क्या ये बात सभी को क्लियर है अब मुझे अगर ये पूरा नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर सिर्फ इतना वाला पार्ट नाउन है तो वी वन प्लस आई एनजी आएगा मैम आपने तो हमें और कंफ्यूज कर दिया कैसे मैंने लिखा आई अकस्टमड टू अकस्टम का मतलब होता है आदत पड़ी हुई है मुझे यहाँ पे बताओ V1 लगाओ या V1 पे संयं जी मुझे आदत पड़ी हुई है क्या अकस्टम्ड टू वॉट मुझे किस चीज की आदत पड़ी हुई है आई एम अस्टम टू वॉट किस चीज की आदत पड़ी हुई है क्या आदत पड़ी हुई है यहां पे जो शब्द है ये वॉट का आंसर दे रहा है मुझे किस चीज की आदत है मुझे किस चीज की लत है आई एम अकस्टम टू वॉट वॉट का आंसर मिल रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डांस तो अगर मैंने टू के आगे वॉट पूछा टू वॉट पूछा टू के आगे वॉट आया है तो क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आया चलो एक और लिखते हैं आई वॉन्ट टू थोड़ा सा गहराइयों में जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा इसलिए एकदम दिमाग खोल के सुनना आई वॉन्ट टू वॉट डैश मैंने इससे वॉट पूछा आई वॉन्ट टू वॉट क्या मुझे कोई आंसर मिला आई वॉन्ट टू वॉट क्या मुझे कोई आंसर मिला? I want to what. तो के आगे वॉट पूछने से मुझे कोई आंसर नहीं मिला इसका मतलब क्या है यहां पे वी वन प्लस आई एन जी नहीं आएगा लेकिन जब मैंने इससे पूछा आई वॉन्ट वॉट मुझे क्या चाहिए तब मुझे आंसर मिला टू डांस मुझे यहां पे वर्ड पूछने से आंसर मिला तो अगर टू से पहले वर्ड पूछने से आंसर मिल रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर टू से आगे वर्ड पूछने से आंसर मिल रहा है तो वी वन प्लस आई एन जी आएगा अगर इस वर्ब से वर्ड पूछने पे आंसर मिल रहा है मतलब ये पूरा का पूरा नाउन है ये पूरा का पूरा नाउन है तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आएगा और अगर इस टू के बाद वर्ड पूछने से आंसर मिल रहा है मतलब सिर्फ इतना शब्द नाउन है तो वी वन प्लस आई एन जी आएगा समझ में आया या नहीं आया या कितने लोगों के सर से ऊपर से चला गया घूम फिर के बात एक ही है बात क्या है फिर से समझो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से समझा सब लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बेटा चलो हाँ मुझे पता है बहुत से बच्चों के ऊपर से चला गया जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन बच्चों को आ गया नाउन क्या होता है नाउन होता है जो वॉट का आंसर दे उसको नाउन बोलते हैं या who का आंसर दे या हुम का आंसर दे तो जो शब्द वॉट का हु का या हुम का आंसर देता है उसको हम नाउन बोलते हैं अगर टू के आगे वॉट पूछा तो इसका मतलब क्या है और इस शब्द ने आंसर दिया तो कहने से ये नाउन है टू के आगे वॉट पूछा और उस शब्द ने आंसर दिया तो उसको क्या कहते हैं वो नाउन है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम डेडिकेटेड टू डैश सिंपल सी बात ऐसा समझो अगर टू से पहले वॉट लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर टू के बाद वॉट लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लस आई एन आएगी इससे सवाल पूछो मैंने दो क्वेश्चन दिए और आपको पहले ही बता दिया कि अगर टू से पहले वर्ट यूज होगा यहां पे what गया, और मिल गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगर यहां आंसर मिला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आएगी तो यहां पे क्या लगाऊं दो क्वेश्चंस आई एम डेडिकेटेड वॉट कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे आंसर देगा आई एम डेडिकेटेड वॉट या फिर आई एम डेडिकेटेड टू वॉट अब समझ में आ जाएगा जिन बच्चों में नहीं समझ में। किस क्वेश्चन ने आंसर दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन ने आंसर दिया सेकंड वाले क्वेश्चन ने आंसर दिया आई एम डेडिकेटेड what या आई एम डेडिकेटेड टू what इस वाले क्वेश्चन ने आंसर दिया तो जब टू के बाद वॉट लगाने से आंसर मिलता है तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं क्या आप समझ में आया इसने कोई आंसर नहीं दिया इसने आंसर दिया क्या आप समझ में आई ये बात सभी को एवरी वन येस और नो चलो मैंने दो सेंटेंसेस और लिखे आई दूसरी कलर में लिखती हूं तो ज्यादा क्लियर होगा आई वॉन्ट टू डैश आई वॉन्ट टू डैश दो क्वेश्चन दे मुझे बताना किस क्वेश्चन ने आंसर दिया आई वॉन्ट वॉन्ट आई वॉन्ट टू what? I want what? या I want to what? किस वाले क्वेश्चन ने आंसर दिया फर्स्ट वाले ने सेकेंड वाले ने I want what? मुझे क्या चाहिए I want a bag. I want a book. I want to dance. क्या कैने से फर्स्ट वाले ने आंसर दिया तो जब फर्स्ट वाला आंसर देता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मतलब अब समझ में आया सेकेंड वाला नहीं आंसर दे सकता बेटा आई वॉन्ट टू वर्ड से कुछ नहीं मिलेगा आई वॉन्ट टू डू वर्ड से मिल सकता है आई वॉन्ट टू वर्ड का कोई सेंस नहीं है क्या आप समझ में आया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी कब लगाते हैं एवरी वन यस और नो तो जब टू के बाद लगा वॉट जब टू के बाद लगा वॉट तो वी वन प्लस आई एन जी आया और जब टू के बिना लगा वॉट तो की फर्स्ट फॉर्म फॉर्म आई क्लियर है सभी को एवरी वन इसको जनरली टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं ये तो मैंने आपको ना बहुत गहराई में जाके समझाया है concept. बहुत गहराई में जाके मतलब इंग्लिश के बहुत गहराई में डूबे तब मैंने आपको ये समझाया है अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट जनरली आपको समझ नहीं समझाया जाता है क्योंकि ये उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत डीप में इंग्लिश की को समझना चाहते हैं अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया जाता है मैं आपको बता देती हूँ इस कॉन्सेप्ट में आपको बोल दिया जाता है कि भाई रट लो क्या रट लो ये रट लो कि इन शब, सारे के सारे शब्दों के आगे वी वन प्लस आई एन आता है क्या बोला जाता है कि ये रट लो कि इन सारे के सारे फ्रेजेस के आगे क्या लगाते हैं वी वन प्लस आई एन लगाते हैं इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी विद ऑल ऑफ देम एडिक्टेड टू आदत पड़ जाना लत होना लुक फॉर्वर्ड टू आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग टू कोई चीज दे रखी है, किसी चीज की आदत होना accustomed to, किसी चीज माउंट आदत होना mount to, मतलब equivalent होना, चीज होना, to, to, को मद्देनजर रखना इन एडिशन टू कन्फेस्ट टू डिस्पोज टू इन सारे के सारे आगे हम इन सब के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जी बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे की ग्रामर क्या थी इसके पीछे का बेस क्या था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी एंड आई होप काफी सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि इनमें टू के आगे जेरेंड आता है टू के आगे जेरेंड आता है जबकि उनमें टू के साथ इनफिनिट वर्क की फर्स्ट फॉर्म आते हैं मतलब वो पूरा इन्फिनेटिव होता है, है ये कॉन्सेप्ट था बस ये जेरन का मतलब क्या है सिर्फ टू के आगे वाला नाउन होता है जबकि इसमें ये पूरा का पूरा नाउन होता है ये डिफरेंस था क्लियर सभी को चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं लेट्स लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स नाउ He is addicted to what? उसे किस चीज की लत है स्मोकिंग की लत है कंपनी ने उसे क्यों किया किस मद, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे किस चीज की आदत है सुबह जल्दी उठने की वी वन प्लस आई एन जी लगाया He is used to. उसे किस चीज की आदत है ड्राइविंग की

उसका मेरे पास फोन आया अगले दिन उसके एडिटर का मैम डिवोटेड टू टीचिंग इंग्लिश तो गलत है डिवोटेड टू टीच इंग्लिश लिख दो आप तो जब मैंने लिखा था आई एम डिवोटेड टू टीचिंग इंग्लिश उसने बोला नहीं मैम आई एम डिवोटेड टू टीच इंग्लिश लिखो हम तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने उसको बोला लिटरली मैंने फोन पे उसको ये बोला लुक uh, मिस्टर उसका नाम था रविंद्र तो मैंने उसको बोला लुक मिस्टर रविंद्र डेडीकेटेड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाई अंड सो वी वन प्लस आई एन जी शुड बी यूज योर वी नेवर यूज अ वर्ब आफ्टर टी योर टू वी ऑलवेज यूज़ अ जेरेंड आफ्टर डेडीकेटेड टू मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था फिर उसने बोला नहीं मैम हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेडिकेटेड टू डू दिस थिंग टू क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फिर मैंने उसको बताया कि टू के आगे सब कुछ लग सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वी वन प्लस आई एन जी भी एडवर्ब भी एड्जेक्टिव भी नाउन भी प्रोनाउन भी कंजंक्शन भी लग जाता है और इनफैक्ट कभी कभार दूसरा भी लग जाता है तो ये एक इंसिडेंट था इसी का जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में भी बहुत सारी बार ये कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं जरूरी नहीं है कि हम इन्हें सिर्फ अपने एग्जाम्स देने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करें नॉर्मल कन्वर्सेशन में या नॉर्मल चीजों में भी बहुत बार ये कॉन्सेप्ट हमारे इस्तेमाल में आते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अब जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव क्या कहता है लेट्स अंडरस्टैंड बेयर बेयर कहता है अभी तक हमने पढ़ा इन्फिनेटिव क्या होता है इन्फिनेटिव हमने पढ़ा अगर मैं नॉर्मल इंफिनेटिव की बात करूं तो इंफिनेटिव इज टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म जिसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से जब टू को हटा दिया जाता है अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचता है तो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव बेयर वर्ड का मीनिंग होता है आ, एक तरीके से खाली कर देना किसी चीज को रिमूव कर देना उसको बोलते हैं बेयर फुटेड ही केम बेयर फुटेड वो मेरे घर बेयर फुटेड आया बेयर फुटेड का मतलब क्या नंगे पाँव आया तो इस जब infinitive से उसका टू छीन लिया गया इस infinitive से उसका टू छीन लिया गया और सिर्फ verb की फर्स्ट फॉर्म बनी तो उसको हम बोलते हैं बेयर infinitive चलो तीन यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं तीनों सेंटेंसेस गलत है कोई मुझे बता सकता है क्यों why are all these sentences wrong क्यों गलत है ध्यान से समझना ये जो मेड है ये जो लेट है ये जो मेड है इनके आगे कभी भी इंफेनेटिव नहीं आता इनके आगे हमेशा बेयर इंफेनेटिव आता है बेयर इंफेनेटिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हम कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी ये टू नहीं आएगा यहाँ पे भी ये टू नहीं आएगा यहाँ पे भी ये टू नहीं आएगा आई आई मेड हिम डू द वर्क मैंने उससे वो काम करवाया लेट हिम गो देयर उसे वहां जाने दो शी मेड मी क्राई उसने मुझे रुला दिया तो अब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं भाई जिनके आगे हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे अगर वर्ब आती है तो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है वी यूज बेयर इंफिनेटिव कभी भी उस वर्ब के आगे टी ओ टू नहीं आता है आई सॉ हिम टू डू वर्क नहीं

तीन ऑप्शन दिए आई हर्ड हिम टू टॉक टॉक या तो टू टॉक नहीं आ सकता नॉर्मल इन्फिनेटिव नहीं आ सकता हम टॉक भी लगा सकते हैं टॉकिंग भी लगा सकते आई हर्ड हिम टॉकिंग टू तो इन वर्ड्स के आगे वी वन भी आ जाता है और इन वर्ड्स के आगे वी वन प्लस आई भी आ जाता है जब अकेला वी आता है तो उसको हम बेर इंफिनेटिव के नाम से जानते हैं क्लियर एवरी वन तो यहां पे हमारी ये पूरी की पूरी टेबल थी जो हमने पूरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा सो दिस इज द एंटायर टेबल जेरोइंड प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें एक इन्फिनेटिव और एड हो गया जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है नाउन की तरह और अकेला इन्फिनेटिव भी अगर होता है बेर इन्फिनेटिव अगर होता है तो टू वहां पे नहीं होता है क्लियर किसी को कोई भी डाउट आज जो हमने पढ़ा उस चीज में Anyone, any doubts? I hope नहीं है। को लेके तो सबसे पहले हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारी दो तरह की वर्ब्स होती है एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती है जो एक्शन करती है कोई काम हो रहा है कोई एक्शन हो रहा है तो उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं उस वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मदद करने के लिए होती है। मेन वर्ब की वो मदद करती है जिससे कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो और ज्यादा क्लियरली समझ में आ सके सभी को इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आई डांस एंड आई डांस तो यहाँ पे मैं क्लियरली इसी बात समझ में आ रही है एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है और अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो ये मेन वर्ब है और ये आई कांट जो है ये जो कांट है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन आता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले आ सकता है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता मेन वर्ब अकेले आ सकता है सेंटेंस में लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब अगर आया है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ में आएगा कोई दिक्कत अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगी आज का जो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और एकदम ना माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में सो so, रेडी आगे बढ़े चलिए तो अभी हमने वही पढ़ा कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं एक हमारी मेन वर्ब्स होती हैं और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब में हमने कल की क्लास में पढ़ा था ट्रांजिटिव और इन होता है और हेल्पिंग वर्ब में हमारी जो दो तरह की वर्ब्स होती हैं जिनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं फिर एक हमारे मार्जिनल मॉडल्स भी होते हैं और फिर एक वर्ब्स जो होती है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं तो ये तीनों के प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं आपके मॉडल्स क्या होते हैं आपके मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं किसको हम कहा यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करती हूँ बेटा तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है आपने बहुत बार देखा होगा इज एम आर बी हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर भी हेल्पिंग वर्ब होता है सिमिलरली डू डज और डिड भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिमिलरली बीई जो होता है उसकी ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं, तो ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अगर मैं मॉडल्स की बात करती हूँ तो मॉडल्स में हमारा आ जाता है कैन कुड मे माइट शुड वुड ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं मॉडल्स में अगर मैं प्राइमरी मॉडल्स की बात करती हूँ मार्जिनल मॉडल्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर तीन मॉडल्स आते हैं यूज टू डेयर टू एंड नीड टू ये तीनों के तीनों अभी हम पढ़ने वाले हैं अब एक बहुत खास बात क्या है बच्चे कि ये जो मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज दी हैं ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करती है यहाँ पे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनको हम मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब डबल डबल रोल प्ले करते हैं इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो और इनको आप मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो और यही से सा सारा कंफ्यूजन आता है देखो मैंने एक प्राइमरी ऑक्सिलरी लिया यहाँ पे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखोगे आई हैव डन इट मैंने इसको किया है आई तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा डन जो है मेन वर्ब है और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ मदद कर रहा है जबकि अगर आप दूसरा सेंटेंस देखोगे आई हैव अ कार मेरे पास एक गाड़ी है यहाँ पे एक ही वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी अकेले आती नहीं है एक ही वर्ब है इसका मतलब ये क्या हो गया ये जो है बेटा ये कौन सी वर्ब है ये आपकी मेन वर्ब है तो जितनी भी मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताई थी कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताई थी बच्चे मैंने आपको बताया था एज एम आर उसके बाद वॉज वर उसके बाद डू डॉड डू, तो ये जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये दोनों रोल्स प्ले करती हैं ये मेन वर्ब्स भी होती हैं और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है आई हैव डन इट हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है इसका मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आई हैव अ कार को आप देखोगे एक ही वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेंस बदला किसने ये जो टेंस बदला ये इस हैव ने बदला कोई दिक्कत किसी को तो ये सारी की सारी वर्ब्स मेन वर्ब्स भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स तो हमने पढ़ी हुई हैं जब ये मेन वर्ब्स होती हैं तो ये एक टेबल को फॉलो करती है वो टेबल देखते हैं वो क्या टेबल है जब ये सारी की सारी वर्ब्स आपकी मेन वर्ब्स होती हैं तो जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे इज एम आर बी ई हैज हैव डू और डज ये सारी की सारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है ये सारी की सारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वाज वर हैड और डिड ये सारी की सारी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है और ये हैड और बी डबल ई एंड बीन ये सारी की सारी क्या हैं ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक कॉपी पेन लेके बैठना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूं आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि मैम दो हार्ड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है दो तीन हार्ड भी एक साथ लगा सकते हैं क्या वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे तीन हार्ड भी साथ में आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में आपको पता है कभी देखा सेंटेंस जहां पे आई हार्ड 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 तीन हार्ड आ गए तो

मैंने सेंटेंस क्या लिखा बच्चे आई हैव हर्ड अ बुक बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है और अगर ये सही है तो कौन सा टेंस है आई हैव हर्ड अ बुक ध्यान से देखना इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है ये हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में लगती है Half plus V3 किस टेंस में लगता है प्रेजेंट में तो ये कौन सा टेंस हो गया दिस इज प्रेजेंट है आई है बुक मेरे पास एक किताब है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे बताना वो कौन सा टेंस है आई हैड अ बुक विच टेंस इज दिस दो हैड लगे हुए हैं। दो हैड वाला तो इजी है अभी तीन हैड वाला बताऊंगी तब और मजा आएगा आई हैड हैड अ बुक हैड और हैड ये वाला हैड तो क्या हो गया ये वाला हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया ये वाला हैड क्या हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है राइट right. ये कौन सा टेंस हो गया ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट तो जब भी दो हैव एक हैव और एक हैड लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और दोनों हैड होते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है अच्छा क्या कभी भी हो सकता है कभी भी सेंटेंस ऐसे हो सकता है आई हैव अ बुक ये सेंटेंस मुझे बताओ सही है या गलत है मैंने आपको एक और सेंटेंस यहां पे लिख के दिया आई बुक इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट है फर्स्ट फॉर्म कभी लगती है क्या ये फर्स्ट फॉर्म है क्या है साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है नहीं लग सकती हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकती इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया सो दिस सेंटेंस इज ड्रॉग तो हमेशा जब एक एक हैड है दो हैड होंगे दूसरा वाला जो होगा वो हैड ही होगा कभी भी बाद में नहीं आ सकता है कोई दिक्कत किसी को अच्छा मैंने एक और सेंटेंस लिखा मुझे उसका टेंस बताना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस यू टेल मी इट्स टेंस मैंने सेंटेंस लिखा बच्चे आई डिड नॉट डू इट आई Didn't do it. बताओ कौन सा टेंस है? ये verb है और ये है. पहले आती है आई डिट डू इट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है विच टेंस इज इट वेरी गुड इट इज सिंपल पास्ट टेंस क्या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है आई डिड नॉट डिड इट अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया ऐसा आई डिड नॉट डिड इट क्या ये सेंटेंस सही है आई डिड नॉट डिड इट क्या डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी लग सकती है नहीं लग सकती डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकती इसका मतलब ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू चलो वेरी गुड अब अगली चीजों पे आते हैं आई हैड अ कार कौन सा टेंस है मुझे बताओ आई हैड अ कार एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब ये कौन सा टेंस है राइट right. ये जो हमारा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास टेंस में आती है यही पर अगर दो हो जाते तो हैड अ कार इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देती तो I had, had a अब दो हैड लग गए तो ये हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो had को हार्ड को वर्प फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल करते हैं work की थर्ड फॉर्म की तरह तो, अब ये कौन सा टेंस हो गया अब ये जो टेंस हो गया वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया तो हैड अ कार भी सही होता है और हैड हैड अ कार भी सही होता है बस डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि ये सिंपल पास्ट होता है और ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कोई दिक्कत किसी को मैम दो हैड भी आ सकते हैं क्या चलो दो हैड वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैम क्या तीन हैड भी आ सकते हैं क्या अब देखो तीन हैड वाला सेंटेंस अब और मजा आने वाला है पहले मुझे आप लोग बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है व्हाट ही हैड 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 अ डीप इंपैक्ट ऑन मी ये सेंटेंस सही है या गलत है तीन हैड एक साथ दे रखे हैं बड़ी कंफ्यूजन है मैम चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं व्हाट ही

ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा हुआ है एक सेंटेंस था ही हैड हैड something या फिर इट कर लो और इजी हो जाएगा ही हैड हैड इट इट हैड अ डीप impact.

इसका जो टेंस था वो सिंपल पास्ट था और जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो जो बना वो ये बना जब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो जो बना वो ऊपर वाला सेंटेंस बना वॉट ही हैड 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 कॉमा अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी मतलब ये जो सेंटेंस है, तो है? कॉम्बिनेशन ये जो सेंटेंस है ये मैं आपको ना बहुत एडवांस इंग्लिश में ले गई इस सेंटेंस को करवा के बट मेरा मन था आप लोगों को समझाने का तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है ये अमलगमेशन है ऑफ टू टेंसेस इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस या अमलगमेशन ऑफ टू टेंसेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको कौन-कौन से दो टेंसेस हैं इनका अमलगमेशन है ये वाला व्हिच इज पास्ट परफेक्ट और ये वाला विच इज सिंपल पास्ट तो पहला वाला क्या था पास्ट परफेक्ट था और दूसरा वाला क्या था सिंपल पास्ट था तो दो टेंसेस के अमलगमेशन को यहां पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है दो टेंसेस को कंबाइन करके इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए यहां पे आपको तीन हेड साथ में दिख रहे हैं समझ में आया सभी को चार हेड भी हो सकते हैं यहां पे भी पास्ट परफेक्ट कर लो यहां पे भी पास परफेक्ट कर लो दो परफेक्ट टेंस को मिला दो तो चार हैड भी हो सकते हैं वॉट ही हैड 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 कॉमा अ डीप इंपैक्ट ऑन मी तो ये वाला भी पास परफेक्ट और ये वाला भी परफेक्ट अगर ये दोनों पास परफेक्ट हो जाएंगे तो चार हैड आ जाएंगे बीच में क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरी वन चल आगे बढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक और सेंटेंस लिखते हैं देखते हैं, लेट्स लुक वन मोर सेंटेंस, शी इरिटेट्स हर और गहराई में कूदते हैं ग्रामर की वो जो भी करती है उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करती है।, सही है गलत है मैम देखो आप ही ने हमें पढ़ाया था कि डू और डस के साथ या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी एस और एसोरियस नहीं लगता ये हमने पढ़ा भी है और आपने पढ़ाया भी है कि डू डस और डिड के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस और एसोरियस नहीं लगता आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एसोरियस लगा रखा है तो आपका तो सेंटेंस गलत है कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो आप इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझे यू डिडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है ये कॉन्सेप्ट कब लगता है ये कॉन्सेप्ट तब लगता है कि डू do, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये मेन वर्ब होती है मैम ये तो परफेक्शन बात से भी ज्यादा दिमाग का कर रहा है कितने लोगों को ये फीलिंग रही है चलो फोकस करो जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है आई डू नॉट गो देर मैं वहां नहीं जाती तो यहाँ पे मेन एक्शन गो था ये मेन वर्ब थी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए यहां पे गो go था गोज नहीं था अब इस सेंटेंस को देखो वट एवर शी डज वो जो कुछ भी करती है यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है वो जो कुछ भी करती है शी का एक्शन है बेटा वो उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करता है, भी है। जब दोनों एक्शन है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं डज भी यहाँ पे मेन वर्ब है और इरिटेट्स भी यहाँ पे मेन वर्ब है वट एवर शी डज वो जो काम भी करती है उसको उसकी मदर इन लॉ उसकी जो सासू मा है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है परेशान हो जाती है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा दिया दोनों हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता इस सेंटेंस भी दो पार्ट में था एक्चुअली अब मैं आपको इस सेंटेंस के पीछे की कहानी बताती हूँ कहानी बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगी कहानी ये सेंटेंस sentence दो सेंटेंसेस थे शी डज इट comma it irritates her mother in law ये सेंटेंस भी अमल गमेशन था दो टेंसेस का जो अभी पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये उसी का एग्जांपल था और ये क्या था शी डज इट वो उस काम को करती है इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ वो काम उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करता है परेशान करता है तो ये दो टेंसेस का अमलगमेशन था पहला टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था दूसरा टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आता है तो यहां पे भी डज आएगा यहाँ पे भी इरिटेट्स आएगा और इसी को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया था वट एवर शी her हर मदर लॉ इसका मतलब ये जो सेंटेंस था ये बिल्कुल सही था दिस सेंटेंस वॉज नॉट रॉन्ग ये सेंटेंस गलत नहीं था कोई दिक्कत तो यहां पे क्या हुआ यहाँ पे डू और डज के लिए या डिड के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी और उसके साथ एस और ई एस भी लगा कितने लोगों को नहीं समझ में आया तो ये जो सेंटेंस था बेटा ये दो सेंटेंसेस का मिक्सचर था बेसिकली ये दो सेंटेंसेस थे शी डज इट और इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ अच्छा ये समझ में आ रहा है जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया उन बच्चों को दूसरे तरीके से समझाती हूँ हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के सर के ऐसे ऊपर से चला गया चलो यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे डज आएगा सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंटेंसेसिंगर है डज आएगा क्या ये समझ में आ रहा है यहां पे इरिटेट्स आएगा सिंगुलर है सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और, और e लगाते हैं मैंने दो इट और, और एक सेंटेंस और मैंने लिखा इट इरिटेटेड मी दो सेंटेंसेस और लिखे मैंने आपके लिए उसने वो काम कर दिया और इट इरिटेटेड मी और मैं उस काम से इरिटेट हो गई क्या का ये दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह सही है इनफैक्ट ये जो चारों सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सही है कोई डाउट चल अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं वो जो भी काम करती है उसकी मदर इन लॉ से इरिटेट हो जाती है व्हाटएवर शी डस कॉमा इरिटेट्स हर मदर इन लॉ आपको ये बात समझनी है इसमें कि ये जो डज है ये भी मेन वर्ब है और ये जो इरिटेट्स है ये भी मेन वर्ब है ये अलग सेंटेंस है ये अलग सेंटेंस है ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ये इस पार्ट की मेन वर्ब है और मेन वर्ब के केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस और ई एस ही आता है अगर मैं उन वाले सेंटेंस को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा वट एवर डिड उसने जो काम भी किया कॉमा इरिटेटेड मी और एग्जाम में क्या करते हैं कॉमा गायब कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए आप लोग तो रट के चले जाते हो कि डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या डू और डस के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस और एस नहीं लगता और वहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ये डिड के साथ नहीं है ये अलग है ये अलग है ये डस के साथ नहीं है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये अलग है और ये अलग है क्लियर कॉन्सेप्ट सभी को आगे बढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्या हो गया शी डेड इरिटेटेड हर मदर इन लॉन्डेड अलग मेन वर्ब है इरिटेटेड अलग मेन वर्ब है चलिए लेट्स मूव अहेड दो पार्ट में था ये सेंटेंस अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्री टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पे अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं और मेन मुद्दा है आज का दैट इज मॉडल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं जिनके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया इज एम आर वर हैज हैव ये सब अभी हम मुद्दा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो दो तरह की ऑक्सिलरीज आपके साथ डिस्कस करनी है पहली चीज जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आज के सेशन में वो है आपके मोडल्स बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को और एग्जाम्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम सारे मॉडल वर्ब्स इसको भी बोलते हैं मॉडल्स भी बोलते हैं दोनों प्रोनाउंसिएशन देखी गई है तो कैन और कुड डिस्कस करेंगे May और माइट डिस्कस करेंगे कहां यूज होता है कैसे कैसे यूज होता है एग्जाम्पल सेंटेंसेस सारी चीजें बताऊंगी शैल और शुड डिस्कस करेंगे विल और वुड डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद मस्ट डिस्कस करेंगे शुड डिस्कस तो हो गया ऑट टू डिस्कस करेंगे तो ये सारे हम मोडल्स में डिस्कस करेंगे फिर एक दूसरी कैटेगरी मार्जिनल मोडल्स। इसमें हम ये तीन डिस्कस करेंगे यूज्ड टू नीड और डेयर ठीक है तो अब हमें ये एक एक करके इन सबका यूसेज पढ़ना है कौन सा कहा लगाते हैं कैसे लगाते हैं और सारी की सारी चीजें पढ़नी है ठीक है ओके तो सबसे पहले आते हैं विल और पे। विल और और शैल शैल पे का कहा इस्तेमाल किया जाता है सिंपल सी बात है मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप भी क्या बातें भूलते हो विल और शैल को कहा यूज करते हैं फ्यूचर में जब मुझे कोई बताना होता है कि कोई टास्क फ्यूचर का है कोई टास्क आगे होने वाला है तो हम विल और शैल को यूज करते हैं अब विल और शैल में विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है पहले उस डिफरेंस को समझते हैं डिटेल में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है वो मुझे क्या बोलते हैं है? मैम हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया था कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं जितने बच्चों को ये पढ़ाया गया था अधूरी इंफॉर्मेशन थी समझना बहुत बहुत अधूरी इंफॉर्मेशन थी जिन बच्चों को ये लगता है सबसे पहले मैं शैल की बात करूंगी उसके बाद मैं विल की बात करूंगी शैल को आई और वी के साथ जब यूज करते हैं तो नॉर्मली यूज करते हैं कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं होती जब हम शैल को आई और वी के साथ यूज करते हैं तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कोई किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम आई शैल वर्क हार्ड मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब क्या है आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ जी मैम मैं बहुत मेहनत करूंगा या फिर आपने बोला वी शैल वर्क हार्ड ठीक है आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ हम बहुत मेहनत करेंगे इसी शाल को अगर हम बाकियों के साथ लगा दें यू के साथ ही के साथ शी के साथ इट के साथ दे के साथ राम के साथ श्याम के साथ बलराम के साथ घनश्याम के साथ इसका मतलब इसी शाल को अगर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगा दें तो इसका मतलब होता है कि आप उनको क्या बोल रहे हो जबरदस्ती वो काम करने के लिए बोल रहे हो आपने उनके ऊपर क्या बोला कंपलसरी कर दिया वो काम वो काम कैसा हो गया कंपल्शन हो गया ऑब्लिगेटरी हो गया या एक ऑब्लिगेशन हो गया कि भाई वो काम तुम्हें करना ही करना पड़ेगा मैंने आपको क्लास में बोला यू शैल गेट आउट ऑफ द क्लास तो इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बिल्कुल फोर्स करते हुए बोल रही हूँ कि भाई क्लास से बाहर चले जाओ तो जब हमने इसी शैल को यू इट दे राम श्याम घनश्याम, बलराम के साथ लगाया तो इसका मतलब हो गया कि वो एक जबरदस्ती वाला काम है अब वो आपको हर हालत में करना ही करना पड़ेगा तो मैंने अगर बोला ही शाल डू इट तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो काम किए बिना नहीं काम चल सकता आपको वो काम हर हालत में करना ही करना पड़ेगा क्या ये दोनों बातें क्लियर है शैल की तो पहला यूसेज था इनके साथ और दूसरा यूसेज है इनके साथ कोई डाउट किसी को भी एक शैल का तीसरा यूसेज भी होता है और वो तीसरा यूसेज होता है शैल का जब हम किसी तरह की परमिशन की बात आप सामने वाले से कोई परमिशन ले लो मैं आपसे पूछ रही हूँ हम आगे बढ़े मैं आपसे पूछ रही हूं अगर आप लोगों ने लिख लिया तो शैल आई रब द बोर्ड मैं बोर्ड को मिटा दू जो मैंने लिखा है उससे मैं आगे बढ़ जाऊं तो तीसरा शैल का यूज होता है जब हम किसी तरह की परमिशन लेते हैं मुझे सामने वाले से आंसर यस या नो में चाहिए होता है तब उस केस में हम शैल को इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा शैल आई रेज द कॉन्टेंट क्या मैं इस कॉन्टेंट को मिटा दू तो उसमें क्या बोलते हैं शैल कोई दिक्कत शैल में क्या शैल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि शैल मॉडल वर्ब को हम कहां, -कहां यूज करते हैं चलो अब अगर शैल क्लियर हो गया है तो अब हम आते हैं अगली मॉडल वर्ब पे और वो है विल विल को कहां, -कहां यूज करते हैं मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ जस्ट गिव मी वन सेकेंड लेट मी ऐड अ स्लाइड स्लाइड कहां से ऐड होगी भी एक सेकेंड लास्ट यूज यू नहीं हो रही कोई बात नहीं इसी को मैं रब कर लेती हूँ हाँ तो अब मैं आपको बता दी हूँ विल को हम कहाँ-कहाँ यूज करते हैं समझ में आया ना शाल कोई दिक्कत तो नहीं है ना शाल के यूसेज में हाँ। अब बात करते हैं विल की शाल का ऑपोजिट होता है विल बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है शाल का विल तो अगर मैं विल की बात करती हूं तो अगर मैं आई को विल को आई के साथ और यू के साथ इस्तेमाल करती हूं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि मैं उस काम को हंड्रेड परसेंट करूंगी डिटर्मिनेशन के साथ मैं उस काम को करूंगी तो हम क्या लगाते हैं आई और यू के साथ विल लगाते हैं तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप क्या बोलोगे आई विल क्लियर दी एग्जाम बोलोगे या आई शैल क्लियर द एग्जाम बोलोगे सही दोनों है मीनिंग अलग अलग है अगर आप बोल रहे हो आई शैल क्लियर द एग्जाम उसका मीनिंग है ठीक है ना मैम कर लेंगे ना लेकिन अगर आप बोल रहे हो आई विल क्लियर द एग्जाम इसका मतलब क्या है आपने मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए हर हालत में हम एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे मतलब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गया है उस काम को करने का सिमिलरली अगर विल को यू ही के साथ शी के साथ इट के साथ और दे के साथ इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट। अच्छा मैंने गड़बड़ लिख दिया एक मिनट एक मिस्टेक कर दी मैंने हाँ आई और बी यहाँ पे क्या आएगा यू तो सिमिलरली अगर हम ही, शी इट दे यू राम श्याम घनश्याम, बलराम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है हम कैसे बात कर रहे हैं हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कोई डिटर्मिनेशन नहीं है ही विल डू इट मतलब वो कर लेगा ही शाल डू इट मतलब जबरदस्ती करना पड़ेगा आई विल डू इट मतलब हंड्रेड परसेंट डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे और आई शाल डू इट मतलब नॉर्मली कर लेंगे क्या डिफरेंस समझ में आया विल और शाल के बीच में तो will और शैल जो है आपस में बिल्कुल ही ऑपोजिट है बिल्कुल ही अलग अलग है जहां पे आई और वी के साथ will determination दिखाता है वहां पे आई और वी के साथ शैल क्या होता है नॉर्मल होता है यू ही शी इट दे के साथ शैल का मतलब होता है कंपल्शन और विल जो होता है वो नॉर्मल होता है बिल्कुल उल्टा है विल और शैल क्लियर सभी को कोई दिक्कत अब अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं और अगला मॉडल वर्ब है शुड। शुड को हम चार केसेस तो में इस्तेमाल करते हैं पहला जो शुड का यूज होता है वो होता है जब मुझे पास्ट टेंस में फ्यूचर शो करना होता है फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज का एक एक एग्जाम्पल एक 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 भी दूंगी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा एक आपको स्पीच बना के दिया ही सेड कॉमा ही वो इस काम को करेगा अब मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊंगी मैं लिखूंगी ही सैड दैट ही शुड डू इट तो जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं हम उस केस में शुड यूज करते हैं तो शुड क्या डिनोट करता है शुड डिनोट करता है फ्यूचर इन द पास्ट टेंस अगले पे आते हैं ड्यूटी और ऑब्लिगेशन किसी की कोई ड्यूटी होती है किसी की कोई जिम्मेदारी होती है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं शुड यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या ड्यूटी है हमारी आर्मी की कि वो हमें प्रोटेक्ट करे तो हमने क्या लिखा आर्मी या फिर मैंने लिखा वन एक ऐसे सेंटेंस लिख दिया वन शुड डू दू वंस ड्यूटीज वन शुड डू दू वंस ड्यूटीज तो जब भी हम किसी की कोई ड्यूटी होती है कोई ऑब्लिगेशन होता है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है उसकी बात करते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं शुड लगाते

अबाउट दैट तुम्हें उसे ना उसके बारे में पूछना चाहिए हम क्या दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए तो जब भी हम कोई एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं उस केस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं अगला जो पे शुड यूज होता है वो होता है लेस्ट के साथ लेस्ट एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है अन्यथा Otherwise. क्या होता है? एक conjunction होता है? है, एक जिसका मीनिंग होता है अन्यथा अदरवाइज तो जब भी लेस्ट यूज करते हैं तो वहां पर जो मॉडल वर्ब आती है वो या तो कोई भी मत लगाओ या फिर शुड लगाओ शुड का लगाना कंपलसरी होता है और कोई मॉडल वर्ब को हम यूज नहीं कर सकते हैं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा वर्क हार्ड lest You should fail. मेहनत कर लो अन्यथा तुम हो जाओगे। तो हमने वहां पे क्या यूज किया हमने वहां पे शुड का इस्तेमाल किया तो लेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है लेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि या तो शुड लगा दो या फिर शुड मत लगाओ बच्चा जो मैं आपको पी दूंगी ना उसमें जो मैं लिख रही हूँ ना वो उस पी में नहीं आएगा तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको नोट करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है तो नोट करते हुए लेते हुए चलो क्लियर हुआ शुड सभी को यस yes. चल आगे बढ़ते हैं अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं और अगला मॉडल वर्ब है वुड जैसे शैल का पास्ट शुड होता है सिमिलरली विल का पास्ट क्या होता है शैल का पास्ट शुड तो विल का पास्ट क्या हो गया बच्चे ड राइट right. तो अगर मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड ही विल डू इट तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू जैसे शैल का पास्ट शुड सिमिलरली का पास्ट क्या हो गया विल का पास्ट हो गया वुड तो दिस इज द फर्स्ट यूसेज ऑफ वुड दूसरा वुड हम कहा यूज करते हैं वुड हम यूज करते हैं जब हम किसी की कोई पुरानी आदत बता रहे होते हैं। जब किसी की कोई पास्ट हैबिट बताते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वुड थ्री एम इसका मतलब क्या हो गया मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि पहले मैं तीन बजे उठा करती थी या पहले मैं तीन बजे उठ जाती थी तो आप कोई अपनी कहानी बता रहे हो कोई नरेशन बता रहे हो हो कोई स्टोरी सुना रहे हो अपने पुराने पास्ट की तो ही वुड कम इन मी वो आता था मुझसे पूछता था कि क्या हुआ तो जब भी हम कोई पास्ट हैबिट बताते हैं या पास्ट एक्शन बताते हैं किसी के तो हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करते अगला वर्ड का इस्तेमाल कहा होता है जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो वुड यू गिव मी गिव मी अ पेन क्या तुम मुझे एक पेन दे, दे दोगे तो जब आप बहुत पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं बट आपके एग्जाम्स में ना बहुत बार आते हैं मॉडल वर्ड कभी कभी तो पूरी पूरी टेबल्स बनी हुई आई हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन बताती हैं एक बार एग्जाम में आया था इस तरफ सारे मॉडल वर्ब्स लिखे हुए थे और यहाँ पे सारे यूसेज लिखे हुए थे आपको मैच द कॉलम करना था कि, कि किस मॉडल वर्ब को कैसे यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब्स जो है आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे अगला हम वुड को बताते हैं जब हम कोई प्रेफरेंस दे रहे होते हैं कि मुझे ना ये पसंद है मुझे ना वो पसंद है मुझे ना ये करना है मुझे वो नहीं करना है तो जब हम कोई प्रेफरेंस बताते हैं तो उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वुड प्रिफर टी टू कॉफी मैं चाय को प्रेफर करूंगा कॉफी के ऊपर तो जब हम प्रेफरेंस बताते हैं तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं आखिरी इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल कब होता है गोल्डन रूल नंबर टू और गोल्डन रूल नंबर थ्री में गोल्डन रूल नंबर टू क्या कहता है गोल्डन रूल नंबर टू कहता है वैसे मैं टेंसेज में भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी पूरा कंडीशनल सेंटेंस अलग से भी पढ़ाऊंगी बट फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं शॉर्ट में कि अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट में है अगर कंडीशन कौन से टेंस में है सिंपल पास्ट में है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो रिजल्ट में क्या यूज होता है रिजल्ट में आप यूज करते हो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट टेंस में है इफ आई वेंट देयर आई वुड आस्क हर दैट क्वेश्चन अगर मैं वहां गया होता तो मैं उससे वहां पे वो सवाल पूछता तो सेंटेंस कैसा बना यहाँ पे लिख दू जगह कम पड़ रही है ना। तो क्या बनता कंडीशन सेंटेंस का इफ आई वेंट देर आई वुड आस्क दैट क्वेश्चन मैं वो सवाल पूछता सिमिलरली कंडीशनल रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर कंडीशन मतलब साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो रिजल्ट में क्या आता है result में फिर से would लगता है would plus have plus verb की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं तो अगर मैंने कंडीशन ऐसी बनाई इफ आई हैड गॉन देयर I would have asked that question। अगर मैं वहां गया होता तो मैं हो सकता है कि वहां पर एक सेकेंड वो सवाल पूछता तो इन इन सारी जगह हम वुड का इस्तेमाल करते आई वुड राधर डू दैट प्रफरेंस केस में भी वुड को यूज करते हैं कोई दिक्कत किसी को एनी बडी एनी प्रॉब्लम इन दूसरेज ऑफ वुड नोट करते हुए चल रहे हो ना सभी लोग कितने लोग हैं जो यहाँ पे नोट करते हुए चल रहे हैं अगले पे आते हैं कैन कैन क्या क्या शो करता है एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं क्या आपके अंदर उस काम को करने केपेसिटी है क्या आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है क्या आप उस काम को करने के लिए सक्षम हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैन आई कैन डू इट मैं इस काम को कर सकता हूं ही कैन क्लियर द एग्जाम वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है तो जब हम किसी तरह की एबिलिटी बताते हैं कि वो काम किया जा सकता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं कैन को यूज करते हैं अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की कोई काम हो सकता है आज हो सकता है बारिश हो आज हो सकता है हमारे घर पर रिश्तेदार आ जाए आज हो सकता है कि मेरी मम्मी का फोन आ जाए तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं इट कैन रेन टूडे ही कैन कम टूडे तो जब किसी काम को करने की संभावना होती है तो उस केस में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं अगला हम किसी से किसी तरह की परमिशन ले रहे हैं परमिशन ले रहे, हैं। ले रहे हैं का मतलब क्या है क्या मैं अंदर आ जाऊं क्या मैं यहां बैठ जाऊं क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लू कैन का यूज कर सकते हैं कैन आई काम इन कैन आई डू दैट क्या मैं वो कर सकता हूं कैन आई टच दिस मैं इस मार्कर को टच कर सकता हूं तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं अगला कैन होता है रिक्वेस्ट करने के लिए

पास द सॉल्ट मतलब आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नमक पास कर दे उसकी कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है नमक पास करने की है या नहीं आप उससे रिक्वेस्ट करो कैन यू पास द सॉल्ट कैन यू टेल मी व्हाट इज द वे टू अक्षरधाम कैन यू हेल्प मी इन दिस कैन यू गिव मी द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पीपीटी मैम कैन यू गिव अस दिस पीपीटी तो आप ये नहीं पूछ रहे हो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं आपको पीपीटी देने की आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम पीपीटी हमें शेयर कर दो तो आप उसकी एबिलिटी नहीं पूछ रहे कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहे परमिशन नहीं ले रहे खुद कुछ काम करने की उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो उस काम को कर दे तो उस केस में भी हम कैन को रिक्वेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत किसी को कैन के यूसेज में अभी मैं पूरी टेबल भी बनवाऊंगी सो डोंट वरी जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमें ये कैसे याद होगा तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना भी ये 50 का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे इसमें जितना भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी सब टेबल की फॉर्म से, से याद करवाऊंगी तो वो मेरी जिम्मेदारी है चलो अगले पे आते हैं नेक्स्ट इज कुड कुड क्या होता है भाई कैन का पास्ट होता है कुड जैसे विल का वुड था शाल का शुड था ऐसे ही कैन का पास्ट क्या होता है कुड मैंने एक सेंटेंस लिखा ही सेड ही कैन डू इट तो इसका पास्ट क्या हुआ कैन का पास्ट क्या हुआ कुड ही सेड दैट ही कुड दो उसने क्या बोला कि वो उस काम को कर सकता था कैन का पास्ट कुड रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज कर रहे थे ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू मिस्टर राम तो जब भी आप किसी को फोन करो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ही फोन किया कि निमेशा मैम आपसे बात करनी है तो आप फोन करके क्या बोलोगे या आपने मेरे किसी काउंसलर को फोन किया कि मैम हमें ना निमिशा मैम से बात करनी है तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कुड आई टॉक टू मिस निमिशा तो कुड हम क्यों यूज कर रहे हैं जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कुड होता है बहुत पोलाइट बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज होता है और कुड भी यूज होता है किसी चीज की संभावना हो हो सकता है आज बारिश की संभावना है या कल बारिश की संभावना थी इट कुड रेन हो सकता है बारिश हो तो पॉसिबिलिटी के के केस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं वी यूज कुड इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑल्सो क्लियर चलो अब मे के मैंने आपको यहाँ पर चार चीजें दी हुई मुझे सबके एग्जाम्पल बताएंगे सभी लोग कि मे कहा यूज होता है टेल मी द एग्जाम्पल एवरी वन परमिशन लेने के लिए क्या पूछा भाई मे आई कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं अब मे आई कम इन और कैन आई कम इन में क्या डिफरेंस है कोई मुझे बता सकता है मे आई कम इन भी यूज करते हैं हम और हम कैन आई कम इन भी यूज करते हैं वट इज द डिफरेंस दोनों ही परमिशन के लिए है लेकिन ये जो मे आई कम इन है ना ये पोलाइट है दिस इज वेरी पोलाइट और ये नॉर्मल है तो अगर आप किसी टीचर को बोल रहे हो आपको याद होगा स्कूल के दिन कैसे करवाते थे ऐसे हाथ रखवाते थे और ऐसे करते मैम मे आई कम इन कैन आई कम इन नहीं बोलते थे टीचर्स हमें क्या सिखाते थे ऐसे हाथ रखो और ऐसे करो और पूछो मैम मे आई कम इन याद है किसी ने किया मुझे बहुत याद है हमारे स्कूल में हमें मे आई इन ऐसे करवाते थे अब पता नहीं मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आती थी जैसे हाथ क्यों आगे करवा के रिक्वेस्ट करवाते थे तो जब भी हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो मे यूज करते हैं नॉर्मली बोलते हैं वो इंसान हमसे ऊपर नहीं है हमारे ही सेम लेवल का है हम उसके ऑफिस गए हैं तो हम क्या यूज करेंगे उस केस में हम कैन आई कम इन यूज करेंगे आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है चल बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है चलो अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी भाई हो सकता है हो सकता है इस महीने मेरी शादी हो जाए आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रही थी हो सकता है आज मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी लाइफ बदल दे हो सकता है आज मेरे घर पे धन की वर्षा हो जाए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है भाई इट हो सकता है आज बारिश हो अगला पर्पस किसी चीज का पर्पस क्या है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है फॉर एग्जाम्पल हम खाना क्यों खाते हैं वी ईट सो so दैट जिससे कि हम जी सके वी मे लिव हमारा खाने खाने का पर्पस क्या है जिससे कि हम जी सकें हमारा पढ़ाई करने का पर्पज क्या है जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे क्लियर एग्जाम तो तो जब हम हम किसी चीज का बताते हैं हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते मे अगला मे हम यूज करते हैं जब हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं कोई विश कोई प्रेयर कोई ब्लेसिंग उसके लिए भी हम मे यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू बर्थडे पे जाके क्या बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू May you get all the happiness. तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करते हैं मेरी मम्मी का फोन ना हमेशा गलत टाइम पे आता है चलो I'll talk to her later. वैसे उनको लग गया ना दस बजकर तो से फ्री हो गई हो गई तो कॉल कर लेती हूँ तो मे गॉड ब्लेस यू जब भी हम किसी से कोई प्रेयर करते हैं कोई ब्लेसिंग ब्लेस bless करते हैं किसी को तब हम क्या यूज करते हैं मे मे यू अटेन मे यू अटेन ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड मे यू अटेन हैुड हेल्थ तो जब भी किसी को कोई विश देते हैं उसको कोई ब्लेस करते हैं इन दैट केस वी यूज मे कोई दिक्कत किसी को मे के केस में अब कैन का पास्ट गुड था विल का वुड था शैल का शुड था सिमिलरली मे का पास्ट क्या होता है मे का पास्ट होता है माइट तो जब हम मे के पास्ट की बात करते हैं तो इट इज माइट सेम सेंटेंस लिखूंगी ही सेड ही तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा ही सेड दैट ही माइट it उसने क्या बोला कि ऐसा हो सकता है कि वो उस काम को कर जाए पर्पज के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं ही एट उसने खाना क्यों खाया सो दैट ही माइट लिव जिससे कि वो जी सके उसने खाना इसलिए खाया सो दैट ही माइट लिव जिससे कि वो जी सके रिमोट पॉसिबिलिटी धन की वर्षा होने के चांसेस बहुत लग रहे हैं आपको तो आप बोलोगे धन की वर्षा हो सकती है आपको लग रहा है धन की वर्षा के चांसेस बहुत कम है रिमोट पॉसिबिलिटी है ना के बराबर चांसेस है तो आप क्या यूज करोगे इट माइट फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन हो सकता है बारिश हो लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है बहुत कम है तो जब आप इट मे रेन बोलोगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर इट माइट रेन बोलोगे तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी कम है किसी चीज के तो जब हल्की सी पॉसिबिलिटी होती है हल्की फुल्की सी तो हम क्या यूज करते हैं उस केस में हम माइट यूज़ करते हैं परमिशन किसी के परमिशन के बारे में बताना है पास्ट तो पास्ट में, में क्या हो गया माइट ही माइट कम इन उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था तो हमने क्या यूज किया माइट पास्ट की परमिशन ही आस्ट इफ ही माइट कम इन तो पास्ट की परमिशन के लिए माइट यूज करते हैं कंडीशनल माइट यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ ई डेड इट अगर उसने वो काम कर लिया इट माइट हेल्प हिम तो हो सकता है कि उसकी मदद हो जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट यूज करते हैं अगर उसने वो काम कर लिया तो हो सकता है कि उसकी हेल्प हो जाए तो माइट को हम इन सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत माइट में अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं एंड द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मस्ट मस्ट जरूरी है भाई बहुत जरूरी है मस्ट यू मस्ट टॉक टू हर तुम्हें उससे बात करना बहुत जरूरी है नेसेसिटी है कंपलसरी है भाई करना पड़ेगा कैसे नहीं करोगे करना पड़ेगा कैसे नहीं करोगे नेसेसिटी है तुम्हारी ड्यूटी है भाई यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को ओबे करना पड़ेगा determination. अंदर से आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ गया कि भाई मैं तो इस काम को करूंगा ही करूंगा मस्ट आई मस्ट वर्क हार्ड टू एक्सेल इन ऑल दी एग्जाम्स करूंगा ही करूंगा डिटर्मिनेशन भी शो कर रहा है एडवाइस सजेशन जब किसी को सजेशन दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट वर्क हार्ड उसे मेहनत करनी चाहिए तो यहाँ पे हमने क्या दिया सजेशन दिया तो ये जो मस्ट मॉडल वर्ब है ना ये बहुत ही स्ट्रोंग मॉडल वर्ब है अब ये स्ट्रोंग मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है आपने किसी को मस्ट लगा के कोई चीज बोली ना तो आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई करना तो पड़ेगा आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो प्रेशर लगा रहे हो कि तुम कुछ भी कहो करना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा तो अगर हम मस्ट यूज करते हैं तो हम उसको प्रेशराइज करते हैं जबकि अगर हम ऑट टू यूज करते हैं या फिर हम शुड यूज करते हैं तो उस केस में हम प्रेशराइज नहीं करते वन ऑट टू ओबे वन पेरेंट्स तो हम बहुत नॉर्मली बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए उनकी चीजों को फॉलो करना चाहिए हमेशा टू लगाते हैं हमेशा याद रखना के आगे क्या है टू लगता है यू ऑट टू वर्क हार्ड भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी जब किसी चीज की होती है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस केस में भी ऑट टू का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल इट ऑट टू बी डन मतलब इस काम के होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उस केस में भी हम ऑट टू यूज करते हैं क्लियर सभी को तो ये थे हमारे सारे के सारे मॉडल्स अब हम आते हैं अगले पार्ट पे एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मार्जिनल मॉडल्स तीन मार्जिनल मॉडल्स हैं फिर इसके टेबल कंप्लीट करेंगे फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी डोंट वरी आजकल आप लोग कैसे हो हो गए टीचर को पढ़ाना है लेकिन बच्चे को पढ़ना नहीं सा टाइम क्या होता है आप लोग कहने लग जाते कि मैम छोड़ 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 दो छोड़ दो छोड़ दो तो मैंने आपको पकड़ा तो है नहीं जिसको जाना है चले जाओ और उसको पढ़ना है जिसको लग रहा है कि भाई मेरे कुछ मदद आएगी मेरी ग्रामर स्ट्रांग होगी मेरी इंग्लिश स्ट्रांग होगी इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही सारे एग्जाम्स में तो पढ़ लो चलो तो अब हमारे मार्जिनल मॉडल्स पे और हम बात कर रहे हैं पहले मार्जिनल मॉडल की एंड दूस टू का मतलब क्या होता है यूज टू को हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं यूज टू को सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट के लिए किसी की कोई पुरानी आदत थी कोई पुरानी आदत थी का मतलब क्या है आई यूज टू वेकअप एट थ्री ए एम आई यूज टू वेक थ्री एम मेरी पुरानी आदत थी कि मैं सुबह तीन बजे उठती थी तो जब हम किसी पुरानी आदत की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं यूज टू दूसरा यूज टू हम यूज करते हैं जब हम पैसिव वर्स की बात करते हैं तो जब पैसिव वर्स में यूज टू आता है तो वो प्रेजेंट की बातें में बता देता है फॉर एग्जाम्पल ही इज ड्राइविंग लेट एट नाइट रात को देरी से उसको ड्राइव करने की आदत है तो यूज टू को हम दो केसेस में यूज करते हैं पहला यूज टू हम यूज करते हैं जब कोई किसी की पुरानी आदत होती है आई यूज टू वेकअप एट थ्री ए एम ही यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स शी यूज टू डू दैट तो जब भी हम किसी की पुरानी आदत की बात करते हैं तो उस केस में हम यूज बात करते हैं और जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं तो हम मतलब पैसिव को देरी से ड्राइव करने की समझ में आया यूज टू के दोनों केसेस अगला मार्जिनल मॉडल जो आता है वो है डेयर टू अभी बड़ा प्यारा मॉडल है क्यों ये बहुत प्यारा मॉडल है क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के सामने हिम्मत दिखाना किसी को चैलेंज करना किसी को फेस करना तो जब भी हम किसी को चैलेंज करने की बात करते हैं किसी को फेस करने की बात करते हैं तो उस केस में जो हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं वो कौन सा होता है डेयर टू ही डेयर टू क्वेश्चन He dared to ask me. उसने हिम्मत दिखाई मुझसे एक सवाल पूछने की उसने इतनी हिम्मत दिखाई डेयर टू का मीनिंग क्या होता है हिम्मत दिखाना किसी चीज को लेके, चैलेंजिंग सिचुएशन में आना उसको हम बोलते हैं डे टू डेर के साथ हम क्या लगाते हैं टू लगाते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है सेंटेंस कैसा होता है होता है। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डेर के साथ टू नहीं लगाते आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो डेर टू आया लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आया तो डेर के साथ टू नहीं लगता तो क्या लगता है ही डड नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन या फिर इस डेयर नॉट को आप कंबाइन भी करके क्या लिख सकते हो ही डेंट आस्क मी अ क्वेश्चन तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेयर के आगे टू लगता है और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेयर के आगे टू नहीं लगता यहाँ पे आप देखोगे मैंने डेयर के आगे टू नहीं लगाया और पॉजिटिव सेंटेंस था तो मैंने डेर के आगे टू लगाया कोई दिक्कत जैसा ये डेयर है वैसे ही अगला जो मार्जिनल मॉडल वर्ब है और जो कि आखिरी मॉडल वर्ब है आज का इसके बाद हम पूरी पूरी टेबल बनाने वाले हैं और वो है नीड नीड के केस में भी सेम होता है नीड के आगे टू लगता है जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पॉजिटिव। नीड का मतलब क्या होता है जरूरत होना रिक्वायरमेंट होना किसी तरह की नीड इज वॉट आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है आई नीड टू डू दैट लेकिन जब नीड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है तो वहां पे टू नहीं लगता वी डोंट यूज टू विद नीड एग्जांपल आई नीड नॉट डू तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे हम नीड के आगे टू लगाएंगे लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम नीड के आगे तो टू नहीं लगाएंगे क्या तीनों मार्जिनल मॉडल्स और क्लियर है सभी को एवरी तो अभी हमने क्या किया बच्चे अभी हमने सारे के सारे मॉडल वर्ब्स पढ़े कौन सा मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है कहाँ कहाँ यूज होता है ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी अब हमें अगला क्या करना है अब आ जाते हैं टेबल पे लेट्स कम टू दी हमने पढ़ा है उसको अब हम समराइज

मे गॉड ब्लेस यू भगवान आपका भला करे ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव मीन किसी को ब्लेसिंग देने में पॉसिबिलिटी में इट मे रेन हो सकता है बारिश हो माइट माइट पास्ट ऑफ होता है ही सेड दैट इट रेन उसने बोला कि बारिश होगी कम पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम माइट का यूज करते हैं इट माइट रेन हो सकता है बारिश हो मॉडल्स तो कल की क्लास में हमने बहुत सारे मॉडल वर्ब्स पढ़े थे उनके बेसिस पे आज सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो मुझे इस क्वेश्चन में बताइए क्या एरर है When Ram was young, जब मैं छोटा बच्चा था जब राम यंग था राम हैड वर्क फॉर ट्वेल्व आवर्स राम ने बारह बारह घंटे काम किया है क्या गड़बड़ है क्या मैं कह सकती हूं कि यहाँ पे हम एक पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं यहाँ पे क्या हम शो कर रहे हैं राम की पुरानी आदत क्या थी तो पुरानी आदत के लिए जो मॉडल यूज होता है वो मॉडल होता है यूज टू वेन आई वॉज यंग आई यूज टू वेक अब थ्री ए एम वेन राम वॉज यंग राम यूज टू वर्क फॉर ट्वेल्व आवर्स वेन आई वॉज इन स्कूल आई यूज टू लाफ अलॉट वेन ही वॉज इन कॉलेज ही यूज टू पार्टी अलॉट तो पुरानी आदत के लिए हम क्या यूज करते हैं यूज टू तो यहाँ पे क्या आएगा वेन राम वॉज यंग राम यूज टू वर्क फॉर ट्वेल्व आवर्स कोई दिक्कत किसी को तो जब भी हम किसी की पुरानी हैबिट की बात करते हैं तो हम यूज का इस्तेमाल करते हैं चल अगला सेंटेंस बताइए आई टॉक्स टू हर मैंने उसको बात किया जिससे कि मैं उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बता सकूं, सकूं। कौन सा मॉडल आएगा आई टॉक्ट टू हर सो दैट आई दिख मॉडल वर्ब विल कम टेंस की मॉडल आएगी वो मॉडल जो एबिलिटी शो करेगी वो पास्ट टेंस में आएगी राइट तो सो दैट आई कुड वॉन्ट हिम ऑफ द कमिंग प्रॉब्लम मैंने उससे बात की जिससे कि मैं उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बता सकू कुड क्यों आया क्योंकि पास्ट पास्ट टेंस है कैन का कुड होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स ठीक निकले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी ईट सो दैट वी शुड लिव हम खाते हैं जिससे कि हम जी सके पर्पज कौन सा मॉडल वर्ब दिखाती है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में पर्पज कौन सा मॉडल वर्ब दिखाती है मे वी ईट सो वी लिव हम खाते हैं जिससे कि हम जी सके अगर यही पास्ट में होता तो माइट आता वी एट सो दैट वी माइट सर्वाइव हमने खाना खाया था जिससे कि हम सर्वाइव कर सकते थे मेका पास्ट क्या होता है मेका पास्ट माइट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वन मस्ट प्रोटेक्ट कंट्री इंसान को अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी किसमें शो करते हैं किसी काम को करने की ड्यूटी है आपकी बेटर मॉडल वर्क क्या होगा वन या तो ऑट टू लगा दो ought to सबसे अच्छा होता है में बहुत light suggestion देते हो, भी जो बेटर है जब हम किसी को स्ट्रिक्ट एडवाइस नहीं दे रहे हैं हम उसको बस एक नॉर्मल वे में एडवाइस दे रहे हैं तो हम वहां पे जो मॉडल वर्ब यूज करते हैं वो क्या होता है ऑट टू वन ऑट टू प्रोटेक्ट वंस कंट्री इंसान की क्या है एक जिम्मेदारी है अपनी कंट्री को बचाने की प्रोटेक्ट करने की नेक्स्ट ही कैन नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज वो तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है नहीं अपना सकता है यू आर वेरी स्ट्रांग भाई तुम बहुत पावरफुल हो वो तुम्हारा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता है चैलेंज कौन सा मॉडल वो था मार्जिनल मॉडल था याद करो विच वन वेरी गुड डेयर अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डेयर के आगे टू तो नहीं लगेगा डेयर के आगे टू जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है इसका मतलब होता है हिम्मत करना सेंटेंसेस में लगता है डेयर के साथ पे टू नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डेयरंट आता है क्या आता है डेयरंट या फिर डेयर नॉट तो यहां पे क्या आएगा ही डेयर एक्सेप्ट चैलेंज उसके पास हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट

हर कोई नए शब्द आराम से सीख सकता है सकता है कौन सी मॉडल वो बो पेगीवरी वन कैन लर्न डिक्शनरी की हेल्प से एवरी वन कैन लर्न न्यू वर्ड्स इजिली वेरी गुड अगला क्वेश्चन मुझे डर था कि अगर मैंने उसे दोबारा पूछा तो हो सकता है वो मना कर दे मुझे डर था आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्ट हिम अगर मैंने उसको पूछा तो इस बात के चांसेस हैं कि वो मना कर दे पॉसिबिलिटी कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए राइट पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का ही आएगा पॉसिबिलिटी का पास्ट टेंस का पॉसिबिलिटी का क्या होता है रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत कम पॉसिबिलिटी ही might refuse it. यहाँ पे क्या आएगा माइट आएगा वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों के आंसर्स ठीक निकल रहे हैं कल जो मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब्स पढ़ाई हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को समझ में आई है और आप लोग सीखे हो मॉडल वर्ब्स एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हमेशा से रहा है एस्पिरेंट्स के लिए मॉडल वर्ब्स नेक्स्ट क्वेश्चन ही वॉज वर्किंग हार्ड सो दैट ही शुड गेट अ गुड जॉब वो मेहनत कर रहा था जिससे उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके वो मेहनत कर रहा था जिससे उससे एक अच्छी नौकरी मिल सके सके के लिए ही वॉज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कुड गेट अ गुड जॉब उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके नेक्स्ट वन ही प्लेड विद मी वेन ही वॉज अ किड जब वो छोटा बच्चा था मतलब पास्ट है तो यूज टू आता है तो यहाँ पे क्या आएगा ही यूज टू प्ले विद मी वेन ही वॉज अ किड जब वो छोटा बच्चा था तो वो मेरे साथ खेला करता था यूज टू नेक्स्ट दे कांट हरी देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत समय है भाई जल्दी करने की जरूरत नहीं है बहुत समय है जल्दी करने की जरूरत नहीं है जरूरत की बात कर रहे हो कौन सा मॉडल वर्ब लगता है जरूरत के लिए नीड टू अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप क्या लगाते हो नीडेंट तो क्या आएगा दे कांट हरी नहीं आएगा। क्या आएगा? दे हरी. उनको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम बहुत समय है बेटा नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव क्या है? नीड और डेयर में टू मत लगाया करो नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में नीड और डेयर के साथ टी ओ टू नहीं लगता चल क्लियर अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सम मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स तो एक एक करके मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स पढ़ेंगे तो आई होप सभी के पास कॉपी पेन है सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और हम नोट करते हुए जा रहे हैं इसका पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगी कम्बाइंड पीडीएफ तीनों वर्ब्स की क्लास का वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बन बंसल पे आपको कम्बाइंड पी डी भी मिल जाएगा स्टार्ट करें चल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हम डिफरेंस सीखने वाले हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करता है वो है लाई और ले लाई और ले में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले समझते हैं ये जो लाई वर्ड होता है ना इसके मतलब दो मतलब होते हैं एक इस लाई like का मतलब होता है लेटा हुआ या लेटना इस लाई like का मतलब क्या होता है लेटा हुआ है या लेटना है और इस लाई like का मतलब होता है झूठ बोलना दोनों को वर्ब फॉर्म्स में समझा रही हूं तो इस लाइ का मतलब क्या होता है लेटना या लेटा हुआ या फिर झूठ बोलना फॉर एग्जाम्पल आई लाइड टू हिम इसका मतलब क्या हुआ मैंने उससे झूठ बोला मैंने लिखा आई लाइड ऑन द सोफा या फिर आई लाइड ऑन द टेबल पे तो कोई कैसे ऑन द फ्लोर मैं फ्लोर पे क्या था लेटा हुआ था तो इस वाले एल आई ई इसका मतलब होता है लेटना या फिर झूठ बोलना फर्स्ट सेंटेंस मैंने उससे झूठ बोला दूसरा सेंटेंस मैं जमीन पर लेटा हुआ था ये जो लाई है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन लाई ले लेन लाई ले लेन ले, 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 इसको कैसे याद किया था मैंने मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ रहा है लाई ले लेन मतलब ऐसे सिंपल करके कि कुछ आ रहा है लाई ले कुछ दे रहे हो ले और लेन ये जो आपस में ले रहे हो दे रहे हो उसको क्या बोला लेन देन तो लेन तो इस तरीके से मैंने याद किया था अपने उस टाइम पे आप लोग किसी भी तरीके से याद कर सकते हो तो लाई के साथ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ले और थर्ड फॉर्म क्या होती है लेन दूसरा आता है ले ये जो ले होता है इसका मतलब होता है लिटाना लाई का मतलब था खुद लेटा हुआ होना या खुद लेटना और ये जो ले होता है इसका मतलब होता है लिटाना ही लेड द बॉक्स या ही लेड द क्लोथ ऑन द टेबल उसने टेबल पे क्लोथ को क्या किया लेटा दिया तो ले, लेड एंड लेड तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूं कि लाई में एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है या एक ही चीज इन्वॉल्व होती है जो खुद जाके लेट जाती है जबकि ले में दो चीजें होती हैं और जिस दूसरी चीज को ले किया जाता है लाई में खुद लेटना हो जाता है और ले में क्या हो जाता है ले में किसी दूसरी चीज को आप क्या करते हो आप इस दूसरी चीज को लिटा देते हो क्लियर तो लाई ले ले लेड लेड ले, ले. कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम इन दिस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में इस वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और आता है चलिए अगले बढ़ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड कुछ कॉमेंट्स में मैं पढ़ लेती हूं हाँ सब लोग कह रहे हैं ले लेड लेड लाई ले अच्छा ले। अब अगर मैं झूठ वाले लाई की बात करूं तो उसकी फॉर्म्स क्या होती है ये तो लेटने वाला लाई था जो झूठ वाला लाई होता है उसकी फॉर्म्स क्या होती है लाई लाइड एंड लाइड इस झूठ वाले लाई का मतलब क्या होता है लेटना तो सॉरी इस झूठ वाले लाई की फॉर्म्स क्या होते हैं लाइ लाइड लाइड ये तो इजी है He lied to me, I lied to him. तो झूठ वाला अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी अच्छा माय मिस्टेक माय मिस्टेक हाँ, एक गड़बड़ कर दी मैंने माई मिस्टेक आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे आई ले ऑन द फ्लोर तो ये झूठ वाला लाई है मैंने उससे झूठ बोला और ये फ्लोर पे लेटने के लिए लाई की गड फॉर्म क्या है ले है तो आई ले ऑन द फ्लोर उसका तो मतलब हो गया था मैंने जमीन पर झूठ बोला जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा था आई लाइट ऑन द फ्लोर इसका मतलब क्या था कि मैंने जमीन पर झूठ बोला क्योंकि लाइट तो झूठ बोलने की सेकेंड फॉर्म कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम टिल नाउ चलो आगे बढ़ते हैं मूव अहेड अगले पे आते हैं फॉल फेल फॉलन इस फॉल का मतलब आप लोग के कमेंट सेक्शन में बात क्या चल रही है क्या आप क्या मजाक कर रहे हो आप लोग आपस में मुझे भी पार्टिसिपेट करवाओ मैं भी थोड़ा हंस लूंगी आगे बढ़ते हैं फॉल फेल फॉलन फॉल का मतलब क्या होता है एक सेंटेंस बोलना किसी को जब किसी को प्रपोज करना हो आई फॉल फॉर यू इस सेंटेंस कोई मुझे मीनिंग बता सकता है आई फॉल फॉर यू इसका मीनिंग इस गिरने से कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे लिए गिरता हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारे लिए गिरता हूँ इसका मीनिंग आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे इसका मीनिंग क्या होता है आई फॉल फॉर यू दिस इज अनदर वे ऑफ प्रपोजिंग सामान ये एक दूसरा तरीका है किसी को प्रपोज करने का आई लव यू आई अडोर यू तो बहुत पुराने हो गए चलो तो यहाँ पे फॉल पे आते हैं फॉल का मतलब क्या होता है गिरना इस फॉल गिरने की फॉर्म्स क्या होती हैं? फेल एंड फॉलन इसका मतलब क्या हो गया गिरना एप्पल जो है न्यूटन के सर पे गिरा तो न्यूटन को समझ में आया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं तो फॉल का मतलब क्या होता है गिरना द एप्पल fell ऑन हिज हेड उसके सर के ऊपर एप्पल गिर गया जब फेल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है गिराना उसने पेड़ गिरा दिया उसने पेड़ गिरा दिया तो क्या हो गया ही He... पेल्ड द ट्री तो फॉल इज गिरना इन फर्स्ट फॉर्म एंड फेल इज गिराना इन फर्स्ट फॉर्म कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम नाउ समझ में आ रहा है या सिर्फ मस्ती कर रहे हो आई होप समझ में आ रहा है मैम काश आप गिरता ही नहीं फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता आगे फाउंड जिसे ढूंढता हूं मैं गली गली जो कभी मुझे मिली है नहीं ऐसे है ना आई सर्च फॉर हर आई ट्राई टू फाइंड हर तो फाइंड का मीनिंग क्या है ढूंढना आप किसी को क्या कर रहे हो ढूंढ रहे हो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है फाउंड थर्ड फॉर्म क्या होती है फाउंड आई फाइनली फाउंड माय प्रिंस चार्मिंग इन हिम आई फाइनली फाउंड माय प्रिंस इन हिम उसके अंदर मुझे फाइनली अपना प्रिंस दिख गया व्हाट अ रोमांटिक सेंटेंस तो फाइंड का मतलब क्या होता है फाइंड फाउंड फाउंड मतलब किसी चीज को पा लेना किसी चीज को ढूंढ लेना अगला फाउंड को जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना टू Establish something. आपने क्या किया किसी चीज की स्थापना करी आपने किसी चीज को स्टैब्लिश किया ही फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1970 उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ऑर्गेनाइजेशन का 1970 में किया। कोई दिक्कत किसी को याद रहेगा Everyone, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे जो क्वेश्चन को देख के ना बच्चे इतना खुश हुए कि हमारा ना बिल्कुल सही आंसर निकला है बट नेगेटिव मार्किंग मिल गई एक सेंटेंस था द वॉटर फ्लोन फ्रॉम द ब्रिजेस द water फ्लोन फ्रॉम द बैंक्स ऐसे कुछ करके सेंटेंस था या द वाटर फ्लोन फ्रॉम देअर एग्जैक्ट सेंटेंस तो मुझे याद नहीं आ रहा इस ऐसे कोई सेंटेंस था इसमें बताना था किस पार्ट में एरर है बच्चों को लगा पानी फ्लो हुआ वहां से कोई एरर नहीं है नो एरर मैम पहली बार नो no एरर वाला क्वेश्चन सही कर क्या, करा है इस खुशी में थे वो ये बात नहीं समझ पाए फ्लोन का मतलब बहना नहीं फ्लो का मतलब उड़ना होता है तो फ्लोन उड़ने की थर्ड फॉर्म है बहने की थर्ड फॉर्म नहीं है बहने की थर्ड फॉर्म तो फ्लोड होती है बहने की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लोड होती है तो यहां पे द वॉटर फ्लोन नहीं आएगा द वॉटर फ्लोड फ्रॉम देयर आएगा तो फ्लाई फ्लू फ्लोन और फ्लो फ्लोड फ्लोड ये चीजें ना एग्जाम में जब दिखती है ना तो ऑटो करेक्ट लग जाता है माइंड में समझ ही नहीं आता है क्या एरर है इसलिए इन चीजों को अलग से पढ़ा रही हूं इस फाउंडेशन कोर्स में क्लियर कोई दिक्कत चलो आगे बढ़ते हैं अगले पे आते हैं ये बचपन का क्वेश्चन हैंग हंग हंग कब होता है और हैंग हैंड कैसे होता है हैंग और हैं इसका तो मतलब लटकना या लटकाना होता है दोनों का मतलब भी वही होता है दोनों एक ही तो है हैंग और हैंग ही तो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हंग यूज कब करते हैं जब आप नॉर्मली किसी चीज को हैंग करने की बात कर रहे हो, हो सकता है किसी क्लॉक को हैंग करने की बात कर रहे हो किसी भी चीज को हैंग करने की बात करो लेकिन जब इंसान को मृत्यु दंड दिया जा रहा है जब इंसान को क्या बोला गया कि किल बी हैंग्ड टिल डेथ तो हैंग की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है मतलब मृत्यु दंड के केस में हम हैंग यूज करते हैं अदरवाइज हम हंग और हंग ही यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे पहला था द क्लॉक हैंग्ड फ्रॉम द वॉल ये सेंटेंस सही है गलत है द क्लॉक क्या आ जाएगा फ्रॉम नहीं ऑन ही कर दो इसको द क्लॉक हैंग्ड नहीं आएगा क्या आएगा बच्चे हंग ऑन द वॉल वॉल पे वो क्या हो रही है लटकी हुई है और यही हम इंसान के लिए कहते तो क्या लगाना पड़ता है ही हैंग्ड टिल डेथ उसको लटका दिया गया मृत्यु तक मतलब उसे मृत्यु दे दिया गया वाज हैंग्ड टिल डेथ उसे क्या दे दिया गया मृत्यु दंड दे दिया गया क्लियर कोई डाउट सो हैंग हंग एंड हंग और हैंग हैंड एंड हैंग Clear? हाँ कॉल कट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं सिर्फ इंसान को कट करने के लिए इंसान को दूसरे लोग भेजने के लिए ये हैंगड यूज करते हैं अदरवाइज चाहे फोन काटना हो या फिर घड़ी को लटकाना हो सब के लिए हंग ही यूज होता है चल आगे बढ़ते हैं अगले पे आते हैं नेक्स्ट इज एडवाइस एंड एडवाइज यहाँ पे एक शब्द आपका वर्ब है और एक शब्द आपका नाउन है बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है एडवाइस और एडवाइज में क्या डिफरेंस होता है बच्चे तो एक तरफ एडवाइस है और दूसरी तरफ आपका एडवाइज है ये जो शब्द होता है ये आपका नाउन होता है या संज्ञा होती है ये जो वर्ड होता है वर्ब होती है या क्रिया होती है इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना किसी को क्या कर रहे हो सलाह दे रहे हो तो ये डिफरेंस होता है एडवाइस और एडवाइज में ही गेव मी अ पीस ऑफ डैश उसने मुझे क्या दिया सलाह दी सो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस ही उसने मुझे क्या दी सलाह दी तो यहाँ पे वर्ब लगानी थी तो इसलिए यहाँ पे एडवाइज आया और यहाँ पे नाउन लिखना था इसलिए पे advice आया तो उसने मुझे सलाह दी क्या दी सलाह वॉट डिड ही गिव ही पीस ऑफ एडवाइस वॉट का आंसर मिल रहा है मतलब नाउन आएगा मतलब ए डी वी आई आएगा उसने क्या किया He did what या what did he do क्या किया क्या किया का जब आंसर मिलता है तो वर्ब होता है तो यहां पे क्या आया he advised me कोई दिक्कत दुविधा परेशानी एनीथिंग कोई दुख दर्द जिंदगी में किसी को भी नहीं है तो अगले पे आ जाते हैं सेम है जैसे एडवाइस और एडवाइज था ऐसे ही अगला है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस नेक्स्ट इज वॉट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सीई वाला क्या है भाई नाउन है एसई वाला क्या है वर्ब है इसका मतलब है अभ्यास इसका मतलब है अभ्यास करना बचपन में सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अभ्यास एक इंसान को परफेक्ट बनाता है डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट तो कौन सी चीज है जो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस व्हाट प्रैक्टिस व्हाट का आंसर मतलब नाउन आएगा तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग आएगी पी आर ए सी टी आई ई प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वो रोज प्रैक्टिस करता, करता है क्या करने का जो आंसर देता है वो वर्ब होता है तो वो क्या रोज करता है वो रोज प्रैक्टिस करता है तो यहाँ पे क्या आएगा ही प्रैक्टिस डेली वो रोज के रोज प्रैक्टिस करता है कोई दिक्कत प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में कोई हो तो पूछ लो भाई एनी वन एनी प्रॉब्लम टिल नाउ आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते लेट्स मूव अहेड ब्रेथ एंड ब्रीथ नाउन कौन सा है भाई ब्रेथ बी आरई ए टी एच ये क्या है? नाउन है। नाउन वर्ब कौन सा होता है B -R -E -A -T -H -E. ये का मतलब इसका ये ये क्या होता है? ये हमारा वर्ब होता है इसका मतलब होता है एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है आप लोगों को भी याद आ रहा होगा सांस में तेरे सांस में मेरे सांस आ जाए तो समथिंग लाइक ऐसे कोई सॉन्ग था ना येलो ड्रेस याद आ रही है मुझे कैटरीना कैफ की यहाँ पे तो उसी सांस को या श्वास को क्या बोलते हैं ब्रेथ और सांस लेने को क्या बोलते हैं सांस लेने को बोलते हैं सही लिखा है ना मैंने सांस हिंदी में एक बार चेक करके बता देना मुझे तो लेना मतलब एक्शन करना क्या होता है एक्शन करना इज व्हाट एक्शन करना इज वर्ब चलो ही टुक a डीप डैश टुक उसने क्या लिया एक गहरी सांस ली गहरी सांस ली का मतलब क्या है He took what? क्या लिया उसने गहरी सांस ली क्या का आंसर देता है नाउन आएगा मतलब क्या आएगा ही टुक अ डीप breath. उसने गहरी सांस ली ही ट्राइड टू डैश उसने सांस लेने की कोशिश की क्या करने की कोशिश करी क्या करने का आंसर मिल रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा ब्रीद ही ट्राइड टू ब्रीद तो ब्रीद जो होता है वो वर्ब होता है और ब्रेथ जो होता है वो नाउन होता है कोई दिक्कत ब्रीद और ब्रेथ में इंग्लिश वालों ने मैम इंग्लिश इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों बनाई है एक ई e एड किया पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल गया हमारी तो दुनिया ही बदल गई ऐसी ही है ये इंग्लिश आगे बढ़ते हैं। बिलीव और बिलीफ कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है बताओ जल्दी से बिलीफ एंड बिलीव ये जो बिलीफ है ये वाला हमारा नाउन है इसका मतलब है विश्वास जो आज के टाइम पे आपको आपके पड़ोसी पे भी नहीं है बिलीव इसका मतलब होता है विश्वास करना विश्वास करना ये क्या हो गया वर्ब हो गया सेंटेंसेस से समझते हैं ही डैश उसको एक बहुत पक्का क्या था क्या था उसे बहुत पक्का क्या का आंसर मिल रहा है नाउन हैड अ स्ट्रांग बिलीफ उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उसने मुझ पर क्या किया ही डैश मी उसने मुझ पर भरोसा किया उसने मुझ पर विश्वास किया ही तो बिलीव एक नाउन होता है और बिलीव एक वर्ब होता है कोई दिक्कत किसी को मैम पड़ोसियों को तो छोड़ो घर वालों ही पर ही आजकल विश्वास नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा गलत है घर वालों पे रिश्तेदारों पे दोस्तों पे तो सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए isn't it? इट आगे बढ़ते हैं अगले दो वर्ड्स पे आते हैं नेक्स्ट इज प्रूफ एंड प्रूफ प्रूफ एंड प्रूफ वर्ब कौन सा है नाउन कौन सा है क्या है ये प्रूफ नाउन है ये प्रूफ क्या है वर्ब है इसका मतलब है सबूत और इसका मतलब है साबित करना मेरे पास एक सबूत है तुम्हारे पास क्या है मेरे पास घर है घर है गाड़ी है बंगला है तुम्हारे पास क्या है मेरे पास सबूत है क्या है सबूत है क्या का आंसर मिल रहा है मतलब क्या आएगा नाउन आएगा आई हैव अब आपने डायलॉग बदल दिया मेरे पास माँ है ये डायलॉग था हाँ मैंने आपको समझाने के लिए डायलॉग थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आपको ऐसे एग्जांपल से याद रहे उसने मुझे गलत साबित कर दिया मैंने उस पर इतना भरोसा किया था मैंने अपनी जिंदगी के चार साल उसे दिए बट उसने मुझे गलत साबित कर दिया कौन सा वाला प्रूफ आएगा ये वाला प्रूव आएगा तो क्या आएगा ही प्रूव्ड मी रॉन्ग भावनाओं में मत इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद फोकस बना के रखना क्लास पे ही प्रूव्ड मी रॉन्ग उसने मुझे गलत साबित कर दिया तो प्रूफ इज वॉट प्रूफ इज अननाउंड एंड प्रूव प्रूव क्या है प्रूव हमारा वर्ब कोई दिक्कत किसी को एनी वन एनी प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं अफेक्ट एंड इफेक्ट अफेक्ट या फिर नाउन वाले हम इस साइड लिख रहे हैं तो इस साइड इफेक्ट ही लिखते हैं इफेक्ट और अफेक्ट ये क्या है भाई इसको वैसे वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं वो भी बताऊंगी बट जनरली ये नाउन है ये क्या है वर्ब है इसका मतलब होता है प्रभाव और इस अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है दिस इज प्रभाव डालना क्या करना प्रभाव डालना तो उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा जब मैं उससे मिला उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा ही हैड वॉट इफेक्ट तो क्या आया नाउन आया ही हैड इफेक्ट उसका बहुत प्रभाव था उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला क्या किया उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला ही अफेक्टेड मी He affected me. तो इफेक्ट इज वट नाउन अफेक्ट इज वॉट वर्ब कुछ केसेस में इफेक्ट को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा कुछ केसेस में हम इफेक्ट को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और तब उसका मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना किसी चीज को पा लेना अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य तुम्हें पाना है तो उस केस में इफेक्ट को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं अदरवाइज इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट वर्ब होता है कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक लिख लो एक बार नोट डाउन कर लीजिए आगे कंप्लेन एंड कंप्लेंट कौन सा नाउन है राइट कंप्लेंट नाउन होता है इसका मतलब होता है शिकायत मुझे शिकायत है तुमसे कंप्लेन वर्ब होती है इसका मतलब होता है शिकायत करना मैं तुमसे शिकायत करना चाहती हूं तो कंप्लेंट इज शिकायत एंड कंप्लेन इज शिकायत करना तो कंप्लेंट ही लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी उसने मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी Complaint, क्या हो गया अगेंस्ट मी कंप्लेट इज वॉट नाउन शिकायत की क्या किया उसने भाई शिकायत की एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज किया वर्ब तो कंप्लेट इज अउन वेयर एज कंप्लेन इज अर्ब कोई दिक्कत किसी को भी आगे बढ़ते हैं साइन एंड सिग्नेचर ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार ही एग्जाम्स में आया बहुत बार ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है क्या था यू पुट योर साइन ऑन दिस यू पुट योर साइन ऑन दिस पेपर ये सेंटेंस सही है या गलत है यू पुट योर साइन ऑन दिस पेपर चलो कॉन्सेप्ट समझते है? फिर मुझे बताना सही है या गलत है सिग्नेचर एक ब्रांड का नाम भी है वैसे ये क्या है नाउन है इसका मतलब होता है दस्तखत जो आप करते हो दैट इज सिग्नेचर साइन एक वर्ब है जिसका मतलब है दस्तखत करना आप क्या कर रहे हो दस्तखत कर रहे हो ही पुट हिज सिग्नेचर ऑन इट उसके ऊपर उसने अपने सिग्नेचर कर दिए सिग्नेचर पुट वॉट सिग्नेचर वॉट का आंसर मिल रहा ना है नाउन आएगा ही साइंड इट उसने उसको साइन कर दिया एक्शन की बात करें क्या किया भाई उसने साइन कर दिया तो क्या हुआ वर्ब तो यहाँ पे पुट योर साइन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा पुट योर सिग्नेचर क्योंकि सिग्नेचर नाउन होता है जबकि जो साइन होता है वो तो वर्ब होता है किसी को कोई दुविधा कोई दिक्कत समझ में आए सारे के सारे अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है ये कुछ हमें ना वर्ब्स की फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सेकंड फॉर्म क्या है थर्ड फॉर्म क्या है मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे सारी वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई है कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें आप ईडी ऐड कर देते हो देख रहे हो सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाते समय ईडी ऐड कर देते हो लर्न Learn, लर्न या फिर कोई ईडी वाली चीज याद आ रही हो अबेट अबेटेड अबेटेड ये क्या हो गया मुझे कोई ईडी वाली फॉर्म ही याद नहीं आ रही आप ही लोग बता दो बहुत सारी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिनमें ईडी एड कर देते हैं वीकेंड 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 तो बहुत सारी वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं बाय एडिंग ईडी अबाइड अबोर्ड अबोर्ड ईडी एड किया एब्जॉर्ब्ड absorbed. एक का मतलब होता है दर्द करना अबाइड का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना किसी चीज को पूरा करना कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड राइट तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे भी ई डी लगाते हैं यहाँ पे भी ई डी लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो इन सारी वर्ब्स में आप देखोगे सब में ईडी लगा के वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई हुई है अचीव अचीव्ड अचीव्ड एक्वायर एक्वायर्ड एक्वायर्ड किसी भी चीज को पा लेना फिर इसके बाद क्या होता है बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी फॉर्म सेम रहती है जिनकी चेंज नहीं होती उनकी फर्स्ट फॉर्म उनकी सेकेंड फॉर्म उनकी थर्ड फॉर्म सेम रहती है कास्ट 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 पुट 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 शट 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 कट गट, कट गट, कट ब्रॉडकास्ट 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 तो इन वर्ब्स के साथ क्या होता है इन वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सारी की सारी सेम रहती हैं कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फॉर्म तो सेम रहती है लेकिन उनका प्रोनाशिएशन चेंज हो जाता है कोई मुझे बताएगा एक ऐसी वर्ब जिसकी फॉर्म सेम रहेगी बट प्रोनाशिएशन चेंज हो जाएगा वो है रीड रीड रेड रेड दिखने में तो सेम है रीड रेड रेड दिखने में तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है रीड रेड रेड तो ये सारी की सारी फॉर्म्स मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई है तो आप इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ये मैं पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर करूंगी सो मेक श्योर दैट यू रीड इट सभी लोग इनको रीड जरूर करेंगे कोई दिक्कत चलिए अब इट्स क्विज टाइम तो अभी वैसे मुझे आपको वर्ब्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं कुछ अभी करवा रही हूं और कुछ क्वेश्चंस टेंस के बात करवाऊंगी क्योंकि उनमें कही कहीं ना कहीं टेंसेस भी इन्वॉल्व होगा तो अभी कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिसमें सब्जेक्ट वॉब अग्रीमेंट और वर्ब इन्वॉल्व है इसके बाद टेंसेस टॉपिक पढ़ाऊंगी फिफ्टी आर फाउंडेशन कोर्स में और उसके बाद टेंसेस वाले क्वेश्चन करवाऊंगी चले ये तीन यहाँ पे क्वेश्चन है आपको बताना है क्या क्या गलत है इनकरेक्ट पार्ट आइडेंटिफाई करना है डूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान many patriot, many of, में पढ़ा था आप लोगों को याद होगा मेनी प्लस आके आगे नाउन भी सिंग्यूलर आता है और वर्ब भी सिंग्युलर आती है सो वी यूज अलर नाउन एंड अगुलर वर्ब तो नाउन तो सिंग्युलर सही है बस वर की जगह क्या आ जाएगा तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारे पेट्रियट जो थे वो पेट्रियोटिज्म से भरे हुए थे नेक्स्ट देर आर डोग्राफी बुक्स डीन्स बारह बारह दर्जन बारह बारह के पेयर में तो बहुत सारी ज्योग्राफी किताबें हैं जो पढ़ी हुई हैं। पड़ी हुई का मतलब क्या लाई और लाई की आई फॉर्म क्या होती है लाइंग होती है लेइंग नहीं होती तो यहाँ पे क्या आएगा लाइन लेइंग का तो मतलब होता है आप किसी को रख रहे हो रखने की बात नहीं हो रही पड़ी हुई रहने की बात हो रही है लाई और ले के बीच में डिफरेंस पढ़ाता याद होगा तो बहुत सारी किताबें हैं जो रखी हुई हैं मेरी लाइब्रेरी की शेल्फ में एंड तुम जो तब भी जब भी चाहो तब भी उनको इस्तेमाल कर सकते हो द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू अर कॉन्स्टिट्यूशन जितने चेंजेस हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो द नंबर ऑफ है इसके इसके साथ कैसी है? इसके साथ कैसी है है सिंगुलर तो यहाँ पे क्या आएगा हाँ। तो जो चेंजेस हुए हैं बहुत ज्यादा हुए हैं पिछले पचास सालों के इंडिपेंडेंस में स्कोर्स एवरी वन इन दीज थ्री क्वेश्चन स्कोर्स भी बताते हुए चलिए नेक्स्ट सेट जस्ट टू नॉर्थ ऑफ इंडिया इंडिया के नॉर्थ की तरफ हिमालया माउंटेन रेंजेस है बेटा माउंटेन रेंजेस के साथ क्या लगता है आर तो जस्ट टू नॉर्थ ऑफ इंडिया इंडिया के नॉर्थ की तरफ हिमालयाज हैं जिनको एक बार इम्प्रेग्नेबल थे इम्प्रेग्नेबल मीन्स उनको हराया नहीं जा सकता था या उनको जीता नहीं जा सकता था उनके ऊपर कैप्चर नहीं किया जा सकता था ऐसे हिमालयाज थे वो गायब हो गई और फाउंड डेड मरी हुई पाई गई मरी हुई पाई गई किसी के द्वारा मतलब पैसिव वॉइस मरी हुई पाई गई मतलब पैसिव वॉइस पैसिव में क्या लगता है वर्क के साथ वर की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज फाउंडियड वो गायब हो गई एंड वॉज फाउंड डेड नियर अ वेल एक कुएं के पास विलेज के बाहर आई हैड बीन टू डेली लास्ट वीक ये टेंसेस का क्वेश्चन है जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है जब भी आपको दिया गया हो कि कोई काम कब हुआ था कल हुआ था परसों हुआ था पिछले हफ्ते हुआ था पिछले साल हुआ था तो उस केस में आप सिंपल पास का इस्तेमाल करते हो तो आई हैड बीन की जगह वेंट टू डेली कर सकते हो विजिटेड डेली कर सकते हो बट हैड बीन नहीं कर सकते नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन either she or you either और से कनेक्टेड होते हैं जब भी वर्ड्स जो वर्ब होती है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है और यू के साथ क्या लगाते हैं यू के साथ आर लगाते हैं तो या तो वो या फिर तुम पे ऊपर ब्लेम किया जाएगा इस इन चीजों के मिसमैनेजमेंट के लिए दे आर द चिल्ड्रन हु मस्ट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं ये वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे कहेगा हु कैन कॉज दे आर द चिल्ड्रेन हु कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू देर पेरेंट्स ड्यूरिंग लॉन्ग बस जर्नी नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं भाई प्लूरल है तो बचे हुए स्टूडेंट्स भी प्लूरल हुए तो आर स्टिल वर्किंग बचे हुए जो बच्चे हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एबल टू कैन का मतलब भी वही होता है बी एबल टू का भी मतलब वही होता है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें की लगा रखी है भाई सो नो वन इन द इन दिस वर्ल्ड कैन डू वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर टेन आवर्स कैन का भी मतलब वही होता है और बी एबल टू का मतलब भी वही होता है तो या तो पहला क्या है कैन इस बी एबल टू को हटा दो दूसरा ये भी है ये भी कर सकते हो वन इन दिस वर्ल्ड इज एबल टू तो या तो ये कर दो या फिर ये कर दो कैन का और बी एबल टू का मीनिंग सेम होता है पीरियड ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स यहाँ पे सब्जेक्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स नहीं है ये पीरियड है पीरियड क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा हैज पास्ट पच्चीस साल का जो टाइम है वो निकल गया है और अभी तक उसके पास कोई भी जॉब नहीं है सो द पीरियड ऑफ ट्वेंटी फाइव इन हैज पास्ट स्कोर्स एवरी वन नेक्स्ट सेट फॉर यू पीपल है मुझे हक है लोगों के पास हक है टू क्रिटिसाइज करने का बुराई करने का बट एट द सेम टाइम बट सेम टाइम पे हर एक को ईच ऑफ देगा के साथ हमेशा सिंग्यूलर वर्ब आती है ईच एवरी ईदर नीदर के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है सिंग्यूलर आती है तो यहाँ पे क्या आएगा हेस बट इच ऑफ देम है ड्यूटी भी याद होनी चाहिए नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स जब भी दो सब्जेक्ट नीदर और नॉर से कनेक्ट होते हैं वर्ब जो होती है वो नियरस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती तो है? है तो हिज फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा आर गोइंग आउट ना ही वो ना ही उसके दोस्त बाहर जा रहे हैं शूटिंग के लिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव बॉट बॉट का मतलब तो खरीदना होता है यहाँ पे लिखा हुआ है घर ला रही है अपैरेटस को घर ला रही है अपैरेटस को घर खरीद नहीं रही अपैरेटस को घर खरीद नहीं रही अपैरेटस को, को घर ला रही है तो यहाँ पे क्या आएगा हैव बाई बाय का मीनिंग होता है खरीदना तो इसकी फॉर्म्स होती हैं बाय बॉट एंड बॉट एक वर्ड होता है ब्रिंग इसका मतलब होता है लाना तो इसकी फॉर्म्स होती है ब्रिंग ब्रॉट एंड ब्रॉट तो यहाँ पे घर लाने की बात हो रही है घर खरीदने की बात नहीं हो रही है. तो वहां पे क्या brought आएगा ब्रॉट आएगा नेक्स्ट सेट इंडियन पॉलिटिक्स करेंटली जब पॉलिटिक्स को किसी फील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो यहाँ पे क्या सीम्स इंडियन पॉलिटिक्स जो कैसा लगता है अभी एक जंग चल रही है पावरफुल के बीच में और नॉट सो पावरफुल के बीच में तो जगर नॉट इज अ पावरफुल मैन एंड फुटनोट इज अ नॉर्मल मैन आम आदमी सीम्स इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स विद इट्स वाइड ऑफ टैक्टिक्स पॉलिटिक्स के अंदर इतनी सारी स्किल्स टैक्टिक्स मीन्स स्किल्स रेपर मीन्स कलेक्शन इतनी सारी स्किल्स के साथ सब्जेक्ट कौन है पॉलिटिक्स ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पॉलिटिक्स अभी बड़ा सिंगुलर है जब एक फील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा टीचर्स यू दैट आपको ये सिखाती है कि आप जो है मेक अर्स आउट ऑफ सोज ईयर Silk purse आउट ऑफ सोज ईयर एक ईडियम होता है जिसका मीनिंग होता है अगर आप एक सिल्क ईयर नहीं बना पा रहे हो सिल्क पर्स नहीं बना पा रहे हो सोज ईयर से इसका मतलब होता है आप जैसे हो कितना भी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीजों से अपने आप को रैप कर लो असलियत में तो वही रहोगे मतलब एक्सपेंसिव चीजें आपका बेस नहीं चेंज कर देंगे ये एक ईडियम होती है इसका मीनिंग होता है सोल्जर्स हु वन ऑफ द इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है हु इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी प्लूरल आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ वो उन सोल्जर्स में से एक है जो कारगिल गए थे वॉर के टाइम पे नेक्स्ट सेट लॉट ऑफ सिंगर्स बहुत सारे सिंगर्स हैं जो क्राउड को एनकरेज करते हैं कि वो डांस करें और मोमेंट को एंजॉय करें फुलेस कोई एरर नहीं है बिल्कुल सही है अ लॉट ऑफ सिंगर्स प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा आगे द डॉक्टर विद हिज टू डॉटर्स ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई तो इसका सब्जेक्ट कौन है डॉक्टर डॉक्टर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा डॉक्टर अपनी दोनों बच्चियों के साथ रीजन नहीं पता लगा पा रहा था कि उसके सन की अचानक से डेथ क्यों हो गई सो बी इज द राइट सॉरी सी इज द राइट आंसर ये डी था नेक्स्ट द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज रिसाइडिंग इन अमेरिका द नंबर ऑफ कैसी वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा इज इंक्रीजिंग डे बाई डे वो रिफ्यूजीज़ जो अमेरिका में रह रहे हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल नाउ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना पेमेंट अभी तक नहीं दिया है आर फाउंडेड उन्हें पाया गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे पाया गया है पाया गया फाउंड होता है फाउंडेड का तो मतलब होता है स्थापना करना किसी चीज की तो यहाँ पे क्या आएगा आर फाउंड फाउंडेड इज स्थापना करना करना ईच ऑफ द द इन कंप्यूटर कंप्यूटर क्लास क्लास में जो हर एक बच्चा है उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा इस सेमेस्टर क्या करना होगा अभ्यास करना होगा मतलब वर्ब आएगी वर्ब आएगी मतलब क्या आएगा प्रैक्टिस सी ही नहीं ऐसे उसको बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा स्कोर्स एवरी वन समझ में आए सभी को सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा वर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है आप लोगों के पास ये बुक्स होनी चाहिए अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है थाउजेंड क्वेश्चंस की, की प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी समरी चाहिए तो वे सारी की सारी आपको इस बुक में मिल जाएगी जो फ्लिपकार्ट अवेलेबल है एक साथ में वोबलरी की बुक और रख लेना अपने पास क्योंकि को भी साइड आपको सारे टॉपिक इस बुक में मिलेंगे जो आपको रोज 20 से 25 मिनट पढ़नी ही पड़नी है वो कैब प्रोडोजी जो आपको फ्लिपकार्ट अवेलेबल हो जाएगी ठीक है ये मेरा कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ग्रामर वोकैबलरी लिसनिंग स्किल्स रीडिंग स्किल्स ट्रांसलेशन हफ्ते में दो जूम क्लासेस में आना चाहते हैं जहां पे आपका सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा जहां पे आपको टीचर ऑनलाइन पढ़ाएगा फेस टू फेस आपको बोलना सिखाएगा आपको ग्रुप डिस्कशन करवाएगा पब्लिक स्पीकिंग करवाएगा तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हफ्ते में दो दिन जूम सेशंस मिलेंगे और आपको मेरे सारे टॉपिक्स की क्लासेस मिलेंगे कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें पूछ भी सकते हैं तो ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है इसमें ट्वेंटी जनवरी का ऑफर भी है जनवरी पे पे आप आप सभी को को इस इस कोर्स कोर्स ऑफ मिलेगा अगर आप आज और कल इस को लेते हो तो आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा इसमें कोड आपको वही लगाना है निमेशा एन आई एम आई एस एच ई कोड लगा दोगे तो आपको टेन परसेंट का ऑफ भी मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में और उस होमवर्क के क्वेश्चन के बाद आप लोगों को बताऊंगी कल का प्राइस किसको मिल रहा है जो बच्चा सही आंसर कॉमेंट करता है होमवर्क के क्वेश्चन का सब उस बच्चे को टीम की तरफ से कुछ प्राइज दिया जाता है तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आप सभी का कि आप लोग मुझे बताओगे कि एक सेंटेंस में मैंने एक चीज लिखी है तो आप लोग मुझे बताओगे कि वो जेरंड है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सेंटेंस है सिंगिंग इज हिज हॉबी तो आपको ये बताना है कि ये जो सिंगिंग है ये जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है इन दोनों में से कौन सा है तो कल के जिस बच्चे ने कल कॉमेंट किया था और जिसको प्राइज मिल रहा है उस बच्चे का मैं नाम बता देती हूँ जिसने होमवर्क के क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया था तो उस बच्चे का नाम है अंजू कुमारी बेटा मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना मेरी मेल आई है डिस्क्रिप्शन में कि वो कमेंट आप ही ने किया था टीम आपको कनेक्ट करके आपको प्राइस दे देंगी आज का क्वेश्चन ये है कि ये जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कितना समझ में आ रहा है मेक श्योर दैट यू गिव मी द फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन तो आज का सेशन अरेंज कर रहे हैं कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं डबल नाइन फाइव थ्री फाइव 92800, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो हाय हेलो मत करना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना कि कोई भी अगर क्वेरी है तो टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपका आंसर दे देगी ओके बाय बाय एवरीवन हेलो चैंपियंस आई होप यू लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है